Hello everyone, welcome back to the course on programming with C++. I am Sanket Singh और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं problems around stack data structure. तो देखो last class में हम लोगों ने already ये पढ़ लिया था कि stacks होते क्या हैं, stacks की need क्या है, क्या important aspect stacks play कर सकते हैं, किस type का structure होता है, अगर आपको stacks implement करने हैं तो आप कितने तरीके से आप stacks implement कर सकते हो, अंडरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन, साथ ही साथ हम लोगों ने स्टैक की जो भी इंप्लीमेंटेशन करी उनको कंपेयर करा, C++ की STL में जो इनबिल्ट स्टैक है उसको कैसे यूज करते हैं हमने ये भी देखा. साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी फिगर आउट करा कि अगर हमें कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जैसे स्टैक को रिवर्स करना या फिर स्टैक के बॉटम में कुछ ऐड करना, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं स्टैक्स के रिगार्डिंग. हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो और कैसे वहां पे स्टैक्स के रिगार्डिंग एक इंट्यूशन बन के आती है. तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. स्टे ट्यून्ड टू द वेरी लास्ट ऑफ द लेक्चर, राइट. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. वी आर गोइंग टू पुट सम मोर ऑसम कॉन्टेंट हियर, राइट. एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, राइट. और अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप जरूर अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स पे रिप्लाई भी करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या है एंड व्हाट दैट क्वेश्चन हैज टू ऑफर. तो चलो यार अब हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि पहली प्रॉब्लम क्या कहती है. सो इस पहली प्रॉब्लम का नाम है बैलेंस्ड ब्रैकेट सीक्वेंस, ठीक है. तो समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है, व्हाट इज द एक्चुअल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी आसान प्रॉब्लम, राइट. प्रॉब्लम कहती है कि चेक वेदर अ गिवन ब्रैकेट सीक्वेंस इज बैलेंस्ड और नॉट. आपको ना कुछ ब्रैकेट्स का सीक्वेंस दिया होगा जैसे ऐसा कुछ, ठीक है. मान लो ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया, मतलब आपको एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रही होगी, स्ट्रिंग में आपको कुछ ब्रैकेट्स वगैरह गिवन होंगे. एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है. आपके पास कुछ ब्रैकेट्स का एक सीक्वेंस होगा, आपको ये बताना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है ये सीक्वेंस. ये जो आपको स्ट्रिंग मिल रही है, एस टाइप का इनपुट आएगा स्ट्रिंग का, ये बैलेंस है या नहीं है ये आपको एक्चुअली फिगर आउट करके लाना है, ठीक है. अब आप सोचोगे कि अच्छा तो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ना हम लोगों को इनपुट समझने की जरूरत है. देखो हमारे पास कंप्यूटर में जनरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास तीन तरह के ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं. एक होता है इस टाइप का ब्रैकेट और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग काउंटर पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंथिसिस. इसको हम लोग कहते हैं पेरेंथिसिस. फिर एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट होता है, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस. और फिर एक ऐसा स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट होता है जिसको ऑफ कोर्स हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, राइट. तो ये टोटल तीन तरह के ब्रैकेट्स आपके पास कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. और अगर आप ध्यान से सोचो, अभी तक आपने C++ का या मान लो किसी और लैंग्वेज में मान लो जावा का कोड लिखा है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे ना तो ये तीनों के तीनों सीक्वेंसेस या मैं कहूँ ये तीनों टाइप के ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. जैसे मान लो आप इफ लिख रहे हो, अब इफ की कंडीशन लिखने के लिए पहले आप एक ओपनिंग पैरेंथेसिस डालते हो फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालते हो, है ना. फिर उसके बाद जब इफ की आप कंडीशन लिख देते हो तो एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस लगाते हो, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाते हो और इससे आप एक ब्लॉक बना पाते हो. ऐसा ही ब्लॉक आप फॉर लूप के लिए भी बना पाते हो, ऐसा ही ब्लॉक आप फंक्शंस के लिए भी बना पाते हो, है ना. फिर मान लो एरे बना रहे हो तो एरे में आप ऐसे ब्लॉक बनाते हो, उसमें साइज देते हो, राइट. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक पेयर बनाते हो, साइज देते हो. तो एक्चुअली ये जो ब्रैकेट्स है ना ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. अब जब आपका कोड कंपाइल होगा, है ना, जब भी आपका कोड एक्चुअली कंपाइल हो रहा होगा उस टाइम पे हम लोगों को ये फिगर आउट करना होगा कि यार ये जो पैरेंथेसिस है या कर्ली ब्रेसेस है सही से लगाया नहीं लगाया. फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक इफ का चेक है, आपने एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाया, कुछ कंडीशन लिखी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया ही नहीं और फिर सीधा कर्ली ब्रेस लगा दिया ऐसे. अब ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन होगी ना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये वाला मिसिंग है. तो कंपाइलर को ना ये डिटेक्ट करना पड़ता है यार जितने सही तरीके से आपने ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज करें और जिस टाइप के करें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है या नहीं आ रहा है.
इस चीज को फिगर आउट करना कंपाइलर का एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और इसी टास्क के लिए ये बैलेंस्ड ब्रैकेट सीक्वेंस जैसा एल्गोरिदम कंपाइलर यूज कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम का ना पहले एक सिंपल वेरिएशन सॉल्व करते हैं, जो कि सोचना बहुत आसान है। ठीक है, एक बार के लिए आप मान के चलो कि आपको ना कर्ली ब्रेस, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस सब कुछ नहीं आ रहा। आपके पास जो ये ब्रैकेट सीक्वेंस है ना, ये सिर्फ पैरेंथेसिस का है, ये सिर्फ पैरेंथेसिस का ब्रैकेट सीक्वेंस है। तो चलो देखते हैं, मान लो ऐसा सीक्वेंस आपको गिवन है, ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है। अब ये सीक्वेंस एक्चुअली एक बैलेंस्ड सीक्वेंस है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब तो मिलेगा बैलेंस्ड कैसे है? देखो, चलो ध्यान से देखते हैं। ये वाला जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इस वाले क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से एक्चुअली रैप हो रहा है, तो इसको इसका काउंटर पार्ट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इस वाले ओपनिंग का यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेम इन दोनों के लिए, सेम इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए। तो तुम देख रहे हो हमेशा किसी ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक काउंटर पार्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, और एक भी ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है जिसके लिए कोई काउंटर पार्ट ओपनिंग ब्रैकेट ना हो। तो देखो ये बैलेंस्ड है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे बैलेंस नहीं होगा। ये देखते हैं, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस क्यों नहीं है देखते हैं। देखो ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, या मैं कहूं ये जो दो पेरेंथिसिस हैं, ये दोनों पेरेंथिसिस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है। बट इसका क्या, इस वाले ओपनिंग पेरेंथिसिस के लिए तो कोई भी क्लोजिंग पेरेंथिसिस नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ये देखो बैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि यहां पे इस ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए ये क्लोजिंग अवेलेबल है, इस पैरेंथेसिस के लिए ये क्लोजिंग अवेलेबल है, बैलेंस्ड है। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स एक्चुअली बना सकते हो जहां पे आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के कुछ कॉम्बिनेशन से कभी बैलेंस्ड स्ट्रिंग मिलेगी, कभी अनबैलेंस्ड। और ये इनपुट ना आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा, ये जो भी इनपुट है आपको यहां पे ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट कर दिया जाएगा, और अब आपको फिगर आउट करना है ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा था कि ये सिंपलर वेरिएशन है, देखो इस वेरिएशन में ना मैं सिर्फ पैरेंथेसिस से डील कर रहा हूं। अब एक्चुअल क्वेश्चन में तो आपको ये तीनों आ सकते हैं, आपको कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिल सकती है। देखो ये बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इस पैरेंथेसिस के लिए तो क्लोजिंग अवेलेबल है, बट इस कर्ली ब्रेस के लिए कोई क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नहीं है, इस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। सो इन दोनों की वजह से दिस इज नॉट बैलेंस्ड, है ना। तो असली प्रॉब्लम है तो हमें तीनों का क्लब आएगा, बट अभी एक सिंपलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि सिर्फ पैरेंथेसिस होते तो क्या आप आसानी से कुछ सोच पाते? अब यार सिर्फ पैरेंथेसिस होंगे ना तो ये सोचना सच में बहुत आसान है। क्यों यार? टोटली जितने आप पैरेंथेसिस ओपन कर रहे हो ना, एट लास्ट किसी ना किसी तरह उतने ही पैरेंथेसिस क्लोज भी होने चाहिए। अगर जितने पैरेंथेसिस आप ओपन कर रहे हो उतने ही पैरेंथेसिस क्लोज हो रहे हैं, यू आर गुड टू गो। देखो जैसे मैं ना इस स्ट्रिंग को पिकअप करता हूं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, अब यहां पे सोचने की बात क्या है, मैं कहता हूं मैं एक ना काउंटर रखता हूं, मैं काउंटर रखूंगा। ये काउंटर पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये काउंटर रिप्रेजेंट करेगा हाउ मेनी ओपनिंग पैरेंथेसिस आर स्टिल वेटिंग टू गेट अ क्लोजिंग वन, राइट? कि यार ऐसे कितने पैरेंथेसिस हैं, ऐसे कितने ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं जो अभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही किसी ओपनिंग पैरेंथेसिस को मैं डिटेक्ट करूंगा, मैं काउंटर प्लस प्लस कर दूंगा, और जैसे ही किसी क्लोजिंग पैरेंथेसिस को डिटेक्ट करूंगा, मतलब ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस किसी ना किसी को एक्चुअली क्या कर रहा है, बैलेंस आउट कर रहा है ना। ओके, एक चीज का ध्यान हम लोग रखेंगे जिसके बारे में बात करता हूं, पहले एक सिंपल केस देखते हैं। अभी इस केस से ना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, देखते हैं। चलो
अभी आप इस वेरिएबल पे आए, ठीक है, इस इंडेक्स पे आए, क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है? जी हाँ है। एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियली काउंटर वेरिएबल जीरो होगा, क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है? जी हाँ है। तो आप काउंटर को प्लस वन कर दो, आगे बढ़ जाते हैं, क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है? जी हाँ है। आप काउंटर को प्लस वन करके यहाँ टू कर दो, क्या ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है? जी हाँ ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। अब देखो काउंटर क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ऐसे दो ओपनिंग पैरेंथेसिस थे जो भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस का वेट कर रहे हैं, और यार मुझे एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, तो जैसे ही मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला मैं डिटेक्ट करूंगा कि यार क्या काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अगर काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस अवेलेबल है जो अभी वेट कर रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आने का, और मैं एज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस उसको बैलेंस आउट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस देखा, मैंने देखा काउंटर वेरिएबल टू है, मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर रहे हैं, हम लोग एक को न्यूट्रलाइज कर देंगे या एक को बैलेंस आउट कर देंगे, मैं माइनस माइनस कर दूंगा, एक और मुझे मिला क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्या काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है? जी हाँ, माइनस माइनस, और देखो काउंटर दोबारा जीरो हो गया। जब भी काउंटर जीरो होगा देखना तुम, या तो तुम्हारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी या फिर कुछ पार्ट बैलेंस हो चुका होगा। अब तुम कहोगे कि यार जब आप ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस देख रहे हो तो आप काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो क्यों डिटेक्ट करना चाहते हो? इसका एक बहुत ही सिंपल सा केस है। ये केस सोचो, ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है, बट काउंटर की वैल्यू इनिशियली क्या है? काउंटर है इनिशियली जीरो, आप यहां पे है। अगर आपने जीरो देखे बिना माइनस वन कर दिया, मान लो इसको माइनस वन कर दिया, फिर आगे गए उसको दोबारा प्लस वन करके जीरो लिया, आपको लगेगा अच्छा बैलेंस्ड है, बट बैलेंस नहीं है, राइट? क्योंकि जब आप इस क्लोजिंग ब्रैकेट को देख रहे हो तब काउंटर की वैल्यू क्या थी? तब काउंटर की वैल्यू थी जीरो। काउंटर की वैल्यू जीरो मतलब इस कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट वेट नहीं कर रहा, या फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट नहीं कर रहा था, तो मतलब ये चीजों को बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। हमेशा एक क्लोजिंग ब्रैकेट तभी आए जब कोई ओपनिंग वेट कर रहा हो, अगर कोई ओपनिंग वेट नहीं कर रहा तो कोई भी क्लोजिंग ना आए, इसलिए ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। इसलिए हम लोग जब काउंटर ग्रेटर देन जीरो का चेक लगा रहे हैं, वो इसीलिए लगा रहे हैं कि जब भी ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाता है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए क्या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वेट कर रहा है, क्या कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम उसको बैलेंस आउट कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस में कुछ नहीं करना है, प्लस वन कर दो। दोबारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस देखो, काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, कर दिया। सेम यहां, वन टू वन जीरो, और देखो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई है? काउंटर की वैल्यू जीरो हो गई है। अगर आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद काउंटर की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब स्ट्रिंग बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि काउंटर की वैल्यू नॉन जीरो कब होगी? जब कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स वेट कर रहे होंगे या ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर रहे होंगे, कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर नहीं रहा है, और अब क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो गई है तो कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी बचा नहीं है, जितने भी थे वो कहीं ना कहीं किसी ओपनिंग पैरेंथेसिस को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। इस अप्रोच का यूज करके कि जब भी आपके पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, आप प्लस वन करने का ट्राई करो वरना माइनस वन करने का ट्राई करो, इससे आप पैरेंथेसिस लेवल, मतलब अगर आपको एक ही टाइप का ब्रैकेट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस, तो उसे सॉल्व कर सकते हो। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है यार, एक्चुअल प्रॉब्लम में ना, एक्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स आने वाले हैं। अब डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स का या तो तुम डिफरेंट काउंट मेंटेन करके चलोगे, राइट, वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक और कियोटिक है। तो इसको एक्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जो कि तुमने अभी तक नोटिस भी कर ली होगी। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है बैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड स्ट्रिंग है B1, और तुम उसको कंकैटिनेट करते हो एक बैलेंस्ड स्ट्रिंग B2 के साथ, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी बैलेंस्ड आएगा। दैट इज इफ वी कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स विच आर बैलेंस्ड, देन रिजल्ट विल बी बैलेंस्ड। हाउ? देखो इस पार्ट को एक स्ट्रिंग कंसिडर करो, इस पार्ट को एक और स्ट्रिंग कंसिडर करो। क्या मैं कह सकता हूं अगर ये स्ट्रिंग B1 है, ये स्ट्रिंग B2 है, तो ये पूरा पार्ट B1 प्लस B2 है, मतलब B1 और B2 का कंकैटिनेशन है। अगर ये B1 और B2 का कंकैटिनेशन है तो तुम देख पा रहे हो B1 अपने में एक बैलेंस स्ट्रिंग था, B2 अपने में एक बैलेंस स्ट्रिंग था, आपने बस कंकैटिनेट किया है। तो एक बैलेंस स्ट्रिंग और दूसरे बैलेंस स्ट्रिंग अगर कंकैटिनेट हो जाएंगे तो ओवरऑल स्ट्रिंग भी बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है? ये पहला रूल। दूसरा रूल कि अगर कोई बैलेंस स्ट्रिंग है B
और उसको आप रैप करते हो या तो पेरेंथिसिस के साथ या पेयर ऑफ कर्ली ब्रेस के साथ या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इफ वी रैप अ बैलेंस्ड स्ट्रिंग विद अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स with a pair of brackets, then हम लोग क्या कह सकते हैं कि मान लो अगर ये कोई balanced string थी, हमने उसको एक pair of brackets में रख किया, then result is also balanced, ठीक है। कि यार आपके पास एक balanced string थी, for example मैं यहाँ पे एक example दिखाता हूँ, ये मान लो एक balanced string है, अगर आपने एक balanced string को एक pair of brackets से wrap कर दिया तो ये भी तो एक बैलेंस स्ट्रिंग है। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग एक्चुअली अपना बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात सोचो, मान लो तुम्हारे पास अब एक सीक्वेंस आया, ओके लेट्स से ये सीक्वेंस आया, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये कहूँगा कि यार देखो ये पैरेंथेसिस आया, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो इसको ना वेट करना होगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेस है इसको वेट करना होगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेस है इसको वेट करना होगा। जब भी कोई ओपनिंग टाइप का ब्रैकेट आता है ना, ओपनिंग ब्रैकेट्स हैव टू वेट। और ये वेट क्यों करना होगा, क्योंकि जैसे ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है हम लोग देखेंगे कि यार ये क्लोजिंग ब्रैकेट क्या लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट को एक्चुअली बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो एक कर्ली ब्रेस आया यहां पे, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आया, अब ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस ना अपने नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अब मान लो नियरेस्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होता तब तो ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, बट यहां पे नियरेस्ट ब्रैकेट क्या है, कर्ली ब्रेस है। तुम खुद भी सोचो, मान लो तुम्हारे पास एक इफ का ब्लॉक है, अब ये जो कर्ली ब्रेस तुमने यहां बनाई, ये कर्ली ब्रेस इस कर्ली ब्रेस को चेक करेगी ना, बाहर जो तुम्हारे फंक्शन के साथ कर्ली ब्रेस है उसको तो चेक नहीं करेगी, तो ये अपने नियरेस्ट कर्ली ब्रेस को चेक करने की कोशिश करेगी। अब सोचने की बात क्या है कि ये सारे तो वेटिंग स्टेट में, ये सब वेटिंग स्टेट में राइट, और जैसे ही मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मैं इन वेटिंग स्टेट में पड़े हुए ओपनिंग ब्रैकेट्स के उस ब्रैकेट को चेक करना चाहता हूं जो लास्ट में आया था। दोबारा सुनो मेरी बात, ये तीनों ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, मैंने कहा इनको वेट करना होगा क्योंकि इनके बेसिस पे सॉल्यूशन कंप्यूट नहीं हो सकता। जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, यहां पे कर्ली ब्रेस आया, इस कर्ली ब्रेस को मुझे कंपेयर करना है जो लोग वेट कर रहे थे, जो ब्रैकेट्स वेट कर रहे थे उनसे, और सबसे तो करना नहीं है, सिर्फ उसी ब्रैकेट से करना है जो लास्ट में आया था, ये वाला। तो लास्ट में ऐड हुए एलिमेंट को एक्सेस करना है अगर, तो इनका वेटिंग स्टेट किस में मैनेज करा जाए, एक स्टैक में मैनेज कर जाए। देखो इंट्यूशन आ रही है स्टैक की कि अच्छा एक अगर कर्ली ब्रेस है और उसको अभी नीरेस्ट वाला देखना है तो वो नीरेस्ट वाला तो लास्ट है ना, क्योंकि हम लोग सबको वेट करवा रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। आप क्या करो, आप एक स्टैक बनाओ। ये स्टैक काइंड ऑफ लाइक वो काउंटर का ही काम करेगा, इट्स जस्ट दैट कि काउंटर वाले अप्रोच में हमें पता था सिर्फ पैरेंथेसिस आएंगे, अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स आ सकते हैं तो हम लोग स्टैक मेंटेन करके चलेंगे, तो एक्चुअली कंपैरिजन कर पाएंगे कि यार इनकमिंग ब्रैकेट लास्ट पड़े हुए ब्रैकेट के टाइप के बराबर भी है या नहीं, ठीक है। अगर तो मान लो ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रैकेट कुछ आया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंसर्ट कर दो, तब तो उसे इंसर्ट कर दो, फिर एक और बार आया इंसर्ट कर दो, एक और बार आया इंसर्ट कर दो। जैसे ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट पहले चेक करेगा कि भाई कोई मेरे लिए वेट कर रहा है नहीं कर रहा, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो कोई वेट नहीं कर रहा, कोई वेट नहीं कर रहा तो इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी राइट, यार इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए कोई वेट नहीं करता है ना, तो हमेशा ये चेक करना होगा पहले कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक का टॉप देखो, अगर ये एक्चुअल ब्रैकेट स्टैक के टॉप वाले ब्रैकेट को रिजोल्व कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है कैसे पता लगेगा, अगर ये कर्ली ब्रेस है तो ये भी कर्ली ब्रेस हो और ओपनिंग हो, ओपनिंग तो होगा ही क्योंकि हम हमेशा ओपनिंग को ही पुश कर रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि यार जो लास्ट ब्रैकेट आया था वो मेरे बराबर है और मेरा काउंटर पार्ट है या नहीं है, अगर है तो हम लोग
इसको भी रिमूव कर देंगे क्योंकि अब इन दोनों को आपस में एक पेयर मिल गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ओपनिंग है चुपचाप ओपनिंग डाल दो, क्लोजिंग है। अब यहां पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट चेक करेगा कि यार कि कोई कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद एक कर्ली ब्रेस आया, कर्ली ब्रेस को तुम चेक कर सकते हो कि लास्ट कौन सा ब्रैकेट अभी भी वेटिंग में। देखो ये पूरा ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग बैलेंस्ड है, इसको आपने कर रखा है एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में रैप। तो अब जब ये वाला कर्ली ब्रेस आया, ये इस वाले कर्ली ब्रेस को एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग उस ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो लास्ट में ऐड हुआ था और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो देखते हैं लास्ट में कौन ऐड हुआ था, ये ओपनिंग ब्रैकेट। चलो ठीक है ओके। फिर उसके बाद एक इनपुट आया ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो लास्ट हमने चेक किया कि यार क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए एक ओपनिंग तो एग्जिस्ट करता है। चलो सेम थिंग अगेन, फिर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और फिर सेम क्लोजिंग पैरेंथेसिस। एट लास्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, काउंटर पार्ट है ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड दैट्स इट। अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई है और प्रोसेस करने के बाद भी आपके स्टैक का साइज जीरो हो जाता है तो इसका मतलब स्ट्रिंग बैलेंस्ड है, क्योंकि देखो सबको अपने काउंटर पार्ट मिल गए। अगर इसके बाद भी स्टैक जीरो नहीं होता ना तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि तब कुछ ऐसे एलिमेंट्स बच जाते, कुछ ऐसे ओपनिंग पैरेंथेसिस बच जाते जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग कभी कोई काउंटर पार्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, राइट। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस ओवरऑल अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोग पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं, एक एक कैरेक्टर पे जा रहे हैं। वर्स्ट केस में हर कैरेक्टर को स्टैक में डालना पड़ सकता है, सारे ही ओपनिंग है सबको स्टैक में डालना पड़ सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हर कैरेक्टर पे जाना है और हर कैरेक्टर को स्टैक में डालना है, स्टैक में डालना ऑर्डर ऑफ वन का टास्क है। तो एन कैरेक्टर्स हैं तो ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन। किस केस में, आपको बस ओपनिंग पैरेंथेसिस आए जा रहे हैं या ओपनिंग कर्ली ब्रेस आए जा रहे हैं एंड सो, ठीक है। तो इस तरीके से इस एल्गोरिथम का आप टाइम और स्पेस निकाल सकते हो। और देखो कितना इंट्यूटिवली हम लोगों ने समझा है कि अच्छा कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस है या कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढने की कोशिश करेगा। नियरेस्ट सारे के सारे ओपनिंग ब्रैकेट अगर वेटिंग स्टेट में है तो मुझे वो वाला चाहिए जो लास्ट में ऐड हुआ था, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक्स, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ड्राई रन करके भी देखा कि कैसे एक्चुअली स्टैक डलेगी। आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, कोई सा भी आ रहा है उसको बस पुश कर दो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के टाइम बस चेक रखो कि यार जो स्टैक का टॉप था वो मेरे काउंटर पार्ट के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता, स्क्वायर ब्रैकेट को एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस नहीं दिखता, हम लोग इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर जाते, एज सिंपल एज दैट। तो चलो इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ट्राई करते हैं, इस सिंपल प्रॉब्लम की कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली कोड इट इन C++, जिससे हमें थोड़ा सा बेटर हैंड्स ऑन ग्रिप मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो चलो यार अब हम लोग अपने बैलेंस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को ना कोड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कोड कर पाएंगे। तो मैं एक बेस टेम्पलेट ले आता हूँ यहाँ पे पहले तो, और मैं एक डेटा स्ट्रक्चर अपना हेडर फाइल से लेकर आऊंगा, स्टैक स्टैक चाहिए हमें। एक फंक्शन लिखेंगे हम लोग, बूल इज वैलिड। ये फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा कि जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो वो स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है। चलो अब स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है, और कैरेक्टर का स्टैक बना लेते हैं क्योंकि कैरेक्टर स्टोर करने पड़ सकते हैं। सिंपली कैरेक्टर का स्टैक बन गया। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके सारे के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का साइज चेक करने के लिए एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पे जाएंगे। चलो अगर जो करंट कैरेक्टर s of i या मैं कहूँ str of i, ये हमारा करंट कैरेक्टर राइट, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ये हो गया हमारा करंट कैरेक्टर। अगर हमारा करंट कैरेक्टर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है या फिर एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस है या फिर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, अगर इन तीनों में से कुछ भी है, मतलब किसी तरह का ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट को सीधा पुश कर दो, ठीक है।
ओपनिंग ब्रैकेट को मैंने सीधा पुश कर दिया, अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहा है, मतलब ना ही ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट था, ना ही ओपनिंग कर्ली ब्रेस था, ना ही ओपनिंग पैरेंथेसिस था, इसका मतलब किसी ना किसी तरीके का क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है हमारे पास। अब भाई अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है ना, तब तो मामला ट्रिकी है, क्योंकि जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है उसके ही टाइप का काउंटर पार्ट ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे होना चाहिए। तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे इफ जो करंट कैरेक्टर है, अगर वो मान लो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है एंड स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का जो टॉप है ना वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। चलो देखो क्या हो रहा है, अब हमें पता लग गया जैसे हम इस else कंडीशन में आ रहे हैं हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आप पहले सबसे पहले एक एक करके सबके टाइप चेक करो, आप चेक करो कि यार ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है क्या ये पैरेंथेसिस टाइप का है, अगर ये पैरेंथेसिस टाइप का है फिर चेक करो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट स्टैक में ढूंढना है, स्टैक एम्प्टी होगी तो काउंटर पार्ट कहां से मिलेगा, और ये चेक करो कि अब स्टैक के टॉप पे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ही होना चाहिए, कर्ली ब्रेस या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस ही एग्जिस्ट करता है हाँ तब तो हमारा काम बन गया। हम लोग क्या करेंगे, हमने जो भी एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला इसका काउंटर पार्ट ओपनिंग मिल गया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ओपनिंग को रिमूव कर दो else। अब ये सेम टू सेम काम ना एक एक करके हम बाकी के ब्रैकेट्स के लिए करेंगे। मान लो आपको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग आया तो ओपनिंग भी ना स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। और सेम चीज यहां, ठीक है, कर्ली ब्रेस के लिए भी ऐसे ही करें। अब सोचने की बात क्या है कि मान लो आपने ओपनिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस मतलब ओपनिंग ब्रैकेट मिला आपको, तब तो ये इफ चेक एग्जीक्यूट हो गया, क्लोजिंग आ रहा है तो आपने ये चेक करा कि यार क्या ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू नहीं है, सेकंड चेक करा क्या ये ट्रू है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब या तो स्टैक एम्प्टी हो चुकी है क्योंकि स्टैक एम्प्टी की कंडीशन की वजह से फॉल्स हो रहा है, या फिर जो आपको टाइप का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है ना उसी सेम टाइप का कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसी सिचुएशन है, मान लो ये दोनों कैरेक्टर स्टैक में है, अभी स्टैक के टॉप पे ये पैरेंथेसिस पड़ा है, फिर आपको मिल गया एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आप चेक करोगे क्या इनकमिंग कैरेक्टर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, जी नहीं, यहां पे आ जाओगे क्या इनकमिंग कैरेक्टर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, जी हाँ एक क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर चेक करो क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्या स्टैक का टॉप ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं यार स्टैक का टॉप तो पैरेंथेसिस है, मतलब ये पूरी कंडीशन फॉल्स ही हो गई, यहाँ हो गई ये तो ऑफकोर्स फॉल्स ही होगी क्योंकि कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा, पिछले वाले में मैच कर गया था। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू कभी नहीं हुई तो मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि रिटर्न एसटी डॉट एम्प्टी, यार अगर एट लास्ट स्टैक एम्प्टी हो गई है, अगर एट लास्ट स्टैक एम्प्टी हो गई है इसका मतलब वी आर डैम श्योर कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग बैलेंस हो चुका है, ठीक है ओके। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, इफ इट्स इफ स्टैक इज एम्प्टी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलो स्ट्रिंग बनाते हैं, चलो एक सिंपल स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, देखो ट्रू आ रहा है क्योंकि बैलेंस्ड है, देखो हर एक के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पे एक काम करते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं इसको, अब ये अनबैलेंस्ड है, रन करते हैं, जीरो आना चाहिए, देखो जीरो आ रहा है, अनबैलेंस्ड है। चलो कुछ और ब्रैकेट्स भी ले लेते हैं, ठीक है ये भी बैलेंस्ड है, तुम देख पा रहे हो, रन करोगे देखो बैलेंस आ रहा है। अब यहीं पे अगर हम लोग एक इसको पैरेंथेसिस से रिप्लेस कर दें तो अब ये अनबैलेंस्ड होना चाहिए, देखो
देखो अनबैलेंस हो गया। तो बहुत ही उम्दा तरीके से हमारा एल्गोरिदम काम कर रहा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी ज़्यादा बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि यार एक बारी इस पूरे के पूरे कोड को खुद से लिख के ट्राई करो, ड्राई रन करो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हमने ऑलरेडी ड्राई रन कर लिया है, बट स्टिल एक बारी खुद से ड्राई रन करोगे तो एक बेटर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दैट बीइंग सेड, इस वाले प्रॉब्लम के लिए यहीं तक है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हॉप ऑन करते हैं और देखते हैं कि व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बेसिस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम लोग इस एक ही क्वेश्चन से तो लगा लो डायरेक्टली चार क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व करेंगे और फिर उन चार क्वेश्चन का एप्लीकेशन हम लोग दो तीन और प्रॉब्लम्स में देखेंगे और आप उनके ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। प्रॉब्लम का नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है, देखो नाम पढ़ के आपको क्या समझ में आता है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब कि हमसे अगला कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमसे बड़ा है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम की कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट है। एक एरे गिवन होगी आपको, ठीक है, यहां बनाते हैं। एक एरे गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 4, 3, 9, 1, 6, 8, 2, ठीक है, मान लो ये एरे गिवन है। अब इस एरे में आपको इंटीजर वैल्यूज गिवन होंगी, एन इंटीजर वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। आपको ना हर वैल्यू के लिए, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए उसके राइट साइड पे कौन सा ऐसा पहला एलिमेंट है जो उससे बड़ा है ये फिगर आउट करके लाना है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सिंग में कर देता हूं, तो आपको ना एक एरे ही रिटर्न करनी है, ठीक है। ये आपकी एक आउटपुट ना एक एरे के फॉर्म में ही आएगा, ओके। और इस एरे में क्या करना है, अब फोर के राइट साइड में पहला कौन सा एलिमेंट है जो फोर से बड़ा है। देखो फोर से बड़ा तो सिक्स भी है, एट भी है, पर पहला एलिमेंट जो फोर से बड़ा है वो है नाइन, तो फोर के लिए आंसर हो जाएगा नाइन, ठीक है। थ्री के राइट साइड में पहला एलिमेंट जो थ्री से बड़ा है वो क्या होगा, वो भी नाइन होगा। ऑल दो सिक्स भी बड़ा है, एट भी बड़ा है, बट पहला एलिमेंट जो राइट साइड पे आ रहा है जो थ्री से बड़ा है वो है नाइन। अब नाइन के राइट साइड में तो नाइन से बड़ा कोई है ही नहीं, तो नाइन के लिए आंसर हो जाएगा माइनस वन। तो जब भी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके राइट साइड पे आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग लिखेंगे वैल्यू माइनस वन। अब वन के राइट साइड में वन से जस्ट बड़ा तो सिक्स भी है, तो सिक्स आ जाएगा यहाँ। सिक्स के राइट साइड में सिक्स का बड़ा एट है, एट के राइट साइड में एट से बड़ा कुछ नहीं है तो माइनस वन। टू के राइट साइड में टू से बड़ा कुछ नहीं है तो माइनस वन। ये जो आपकी आउटपुट एरे है ना, ये है हमारी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे। इसको मैं कहूंगा एन जी ई एरे, एन जी माने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो ऐसी आउटपुट एरे आपको फिगर आउट करके लानी है। एन की वैल्यू एज बिग एज 10^5 हो सकती है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए। एक एरे गिवन होगी, इंटीजर एरे गिवन होगी, हर इंडिविजुअल एलिमेंट जो इंटीजर एरे का आपको गिवन है, उस हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए आपको उसके राइट साइड पर पहला कौन सा एलिमेंट मिल रहा है जो उससे बड़ा है वो फिगर आउट करके लाना है। बहुत सारे एलिमेंट बड़े हो सकते हैं, आपको पहला एलिमेंट फिगर आउट करके लाना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। देखो इस प्रॉब्लम का ना ब्रूट फोर्स तो मैं साथ साथ ही डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रूट फोर्स में तो कोई फाइट ही नहीं है यार। आपको हर एलिमेंट के राइट साइड में उसका पहला ऐसा एलिमेंट चाहिए जो बड़ा हो, तो फाइट तो कुछ है ही नहीं ना। ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, आप एक वेरिएबल रखो आई। आई वेरिएबल क्या बताएगा कि करंट किस एलिमेंट के लिए मैं आंसर निकालना चाहता हूं, ओके। अब आईथ एलिमेंट के लिए आंसर किस रेंज में लाई करेगा, आंसर लाई करेगा आई प्लस वन से एन माइनस वन एथ इंडेक्स के बीच में, इस रेंज में लाई करेगा। मतलब मेरे राइट साइड लाई करेगा, मेरा राइट साइड क्या है आई प्लस वन से एन माइनस वन, इस राइट साइड में लाई करेगा। तो मैं कहता हूं एक वेरिएबल लगाओ जे, ये जे कहां से जाएगा, ये जे आई प्लस वन से एन माइनस वन तक आइट्रेट करेगा, ठीक है।
हम चेक करेंगे क्या जो एलिमेंट जे पॉइंट कर रहा है वो आई से जो एलिमेंट पॉइंट हो रहा है उससे बड़ा है, मतलब क्या 3-4 से बड़ा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या 9-4 से बड़ा है? जी हाँ। जैसे ही आपको पहला एलिमेंट मिला जो आपके आईथ इंडेक्स वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ा है, आईथ इंडेक्स का आंसर एआरआर ऑफ जे हो गया, तो 4 के लिए आंसर हो गया 9। तो आई के लिए आंसर निकाल लिया, अब आई प्लस प्लस। जे कहां से स्टार्ट होगा? अगर जे आई 1 को पॉइंट कर रहा है, जे 2 से स्टार्ट होगा। क्या 9-3 से बड़ा है? जी हाँ, 9-3 से बड़ा है, तो ये तो यही आंसर हो गया, ब्रेक कर जाएंगे। ओके, आई प्लस प्लस। जे स्टार्ट होगा यहां से। क्या 1-9 से बड़ा है? नहीं। क्या 6-9 से बड़ा है? नहीं। क्या 8-9 से बड़ा है? नहीं। क्या 2-9 से बड़ा है? नहीं। अगर हमें कभी भी कोई वैल्यू नहीं मिली तो हम उस पर -1 ही सेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 पे आ गए। 1 के लिए वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 6 से स्टार्ट होगी। क्या 6 बड़ा है 1 से? जी हाँ, 6 बड़ा है 1 से, 6 आ गया, एंड सो ऑन। तो हर इंडेक्स के लिए, हर वैल्यू के लिए उसके राइट साइड पे जितने एलिमेंट्स है उस पे जाओ, जैसे ही पहला ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी वैल्यू आईथ एलिमेंट से बड़ी है, वो मेरा आंसर है। उस आईथ एलिमेंट के लिए काम वहीं स्टॉप कर दो, अब उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे ही आपको पता लगा 1 का आंसर 6 है, अब 8 और 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसका सूडो कोड लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, आपके पास एक फंक्शन होगा, लेट्स से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, एक फंक्शन होगा हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसमें एक एरे आ रही होगी, मैं एक आउटपुट एरे भी बनाऊंगा, ठीक है, अभी सूडो कोड टाइप के लिख रहा हूं, ठीक है, और आउटपुट एरे को ना -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि यार जिस वैल्यू के लिए आंसर नहीं मिला उसके लिए आंसर -1 है, राइट? ओके, फिर हम क्या करेंगे, सारे इंडेक्स पे जाएंगे एरे के, हर इंडेक्स के लिए जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन ए आर आर डॉट साइज जे प्लस प्लस, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू बड़ी हो गई ए आर आर ऑफ आई के, तो आउटपुट ऑफ आई में हम लोग सेट कर देंगे ए आर आर ऑफ जे और ब्रेक कर जाएंगे। That's it. देखो, जैसी कोई बड़ी वैल्यू मिली हम उस वैल्यू को आईथ इंडेक्स का आंसर सेट करके ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करेंगे तो नियरेस्ट लूप से ब्रेक होगा, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, आप वापस इस फॉर लूप में आओगे और आई प्लस प्लस कर दोगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, देखने से पता लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, नेस्टेड लूप है, क्योंकि अगर ऐसी एरे हुई 5, 4, 3, 2, 1, अब ये क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हुई एरे है तो हर एलिमेंट के लिए आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। हर एलिमेंट के लिए आप राइट मोस्ट तक जाओगे, 5 के लिए 4, 3, 2, 1 सब रीड करोगे, 4 के लिए 3, 2, 1 सब रीड करोगे, 3 के लिए 2, 1 सब रीड करोगे, और आपको कभी कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो 5 के लिए आप n-1 आइट्रेशंस कर रहे हो, 4 के लिए आप n-2 आइट्रेशंस कर रहे हो, फिर n-3 आइट्रेशंस कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वैल्यू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, स्पेस कंप्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, हाँ ये कह सकते हैं स्पेस एफिशिएंट है, बट टाइम एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस सॉल्यूशन को हमें करना है ऑप्टिमाइज, बट आई बिलीव ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सब लोगों को क्लियर है। तो चलो यार, अब हम लोगों ने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो डिस्कस कर लिया, ट्राई करते हैं इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के, है ना यार। इस प्रॉब्लम को ना, ये ना एक बहुत ही बेस प्रॉब्लम है, मतलब ये एक तरह का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बिठाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम एक टेक्निक प्रॉपर आपके लिए आई वुड से इंट्रोड्यूस करेगी, इस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा एनालिसिस करके समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो कुछ इनपुट लेते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं, आई बिलीव गुड इनफ। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। अब मैं आपके सामने पता क्या करूंगा, इस इनपुट को ना मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। ऐसे में एक एक्स वाई एक्सेस बना लेता हूँ, एक सिंपल बेसिक सा एक प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यही वैल्यूज है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं एक 4 प्लॉट कर दूंगा, यहां पे मैं एक 6 प्लॉट कर दूंगा, यहां पे मैं एक 3 प्लॉट कर दूंगा, यहां पे मैं एक 1 प्लॉट कर दूंगा, यहां पे एक 0 प्लॉट कर लेते हैं, फिर यहां पे तो बिल्कुल ही 9 प्लॉट कर लेते हैं,
फिर यहाँ पे प्लॉट करते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 5, ठीक है, अप्रोक्सीमेट प्लॉटिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये 6 प्लॉट कर लेते हैं, फिर 7 प्लॉट कर लेते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे 3 के पास और यहाँ से 2, ठीक है, ये प्लॉट कर लिया मैंने। इसको ना मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, इन सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक ये प्लॉट मैंने कनेक्ट कर लिया, बढ़िया लग रहा है ना। तो चलो देखते हैं, अब इस प्लॉट को अगर तुम बहुत ही ध्यान से एनालाइज करो तो प्लॉट में कुछ पार्ट इंक्रीजिंग कर्व है, जैसे ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, कुछ पार्ट डिक्रीजिंग कर्व है, जैसे ये एक डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब मैं एक बात बहुत ही सिंपल समझाना चाहूंगा, जो भी तुम्हारा इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व के लिए आंसर निकालना तो बहुत आसान है। जैसे मान लो ये है, इस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, इसका अगला ही एलिमेंट होगा, देखो 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 6 ही होगा। तो जब इंक्रीजिंग कर्व पे तुम होते हो तब तो कोई फाइट ही नहीं है, तब तो एक्चुअली कोई फाइट है ही नहीं, क्योंकि 5 का आंसर 6 है, 6 का आंसर 7 है। सेम चीज यहां, 0 का आंसर 9 है, कूल है। सेम चीज यहां, 4 का आंसर 6 है। प्रॉब्लम आती है जब आप होते हो डिक्रीजिंग कर्व पे, या डिक्रीजिंग कर्व के लिए ना आंसर आपको इमीडिएटली पता नहीं लगेगा। देखो 6 के लिए आंसर आपको इमीडिएटली 3 से या 1 से या 0 से पता नहीं लग रहा, क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व का आंसर तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आगे कोई इंक्रीजिंग कर्व नहीं आया। जैसे मान लो इस डिक्रीजिंग कर्व के आगे कोई इंक्रीजिंग कर्व आया नहीं, तो इस सबके लिए आंसर माइनस होनी हो गया ना। इस डिक्रीजिंग कर्व के लिए अब यहां पे जाके एक इंक्रीजिंग कर्व आया, तो ये जो इंक्रीजिंग कर्व है इसका यूज करके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। माय पॉइंट बीइंग कि इंक्रीजिंग कर्व का आंसर तो नेक्स्ट एलिमेंट ही होता है, बट जो डिक्रीजिंग कर्व है उसके आंसर के लिए वेट करना पड़ता है। कि किस चीज का वेट करना पड़ता है, कि यार जब इंक्रीजिंग कर्व आएगा तब शायद उसका आंसर कंप्यूट होगा, और वो भी डिपेंड करता है कितना इंक्रीजिंग कर्व आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 9 की जगह मान लो ऐसे 5 ही आता खाली, ठीक है 5 आता, और फिर यहां पे मान लो ये सेम कॉन्स्टेंट टाइप का रहता है, या मान लो 5.5 टाइप आ जाता कुछ, ठीक है ये नहीं आता, तो भी अब 5.5 इस 6 से बड़ा तो नहीं है, तो इस 5.5 का यूज करके इनका आंसर तो निकल जाता, 6 का फिर भी नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ 9 की जगह मान लो 5.5 टाइप का कुछ है, ठीक है, तो इस 5.5 से तो 6 का आंसर नहीं निकलता, बट 5.5 से 310 का आंसर निकल जाता। तो जब भी कुछ इंक्रीजिंग कर्व होगा तो पॉसिबिलिटी है कि पुराने जो पेंडिंग डिक्रीजिंग कर्व के एलिमेंट्स थे उनके लिए शायद कुछ काम बन सके। इतनी बात समझ में अगर आपको आ रही है कि यार इंक्रीजिंग कर्व पे तो आंसर इमीडिएटली मिल जाता है, डिक्रीजिंग कर्व पे आंसर मिलेगा जब आगे चल के कभी कोई इंक्रीजिंग कर्व आया, अगर आगे चल के कभी कोई इंक्रीजिंग कर्व नहीं आया तो आंसर मिलेगा ही नहीं। अब हमें कराना है वेट, और हमेशा जब भी ऐसे वेटिंग वाली स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है ना, कि कुछ एलिमेंट्स को पार्क करके रखना है, उनको वेट कराना है, तो स्टैक जैसा डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा हेल्पफुल होता है। और एक और रीजन की वजह से स्टैक जैसा डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होगा। यार तुम एक बात बताओ, यहां 9 की जगह ना समझ लो बस 2 होता, या मान लो बस 1 होता, 2 भी छोड़ो 1 होता, ये पूरा डिक्रीजिंग कर्व है, यहां पे कुछ तो इंक्रीजिंग आया। जब भी तुम्हें इंक्रीजिंग कर्व कुछ भी मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट था डिक्रीजिंग कर्व का उसके लिए तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा ना। ये मान लो 1 है, ये 1 एटलीस्ट इस 0 को तो सेटिस्फाई कर ही देगा ना, सोचने की बात क्या है। इस 1 से मान लो ये 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, बट इस 1 से डेफिनेटली 0 तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। माय पॉइंट बीइंग कि जैसे ही इंक्रीजिंग कर्व आता है ना किसी एलिमेंट का आंसर तो पक्का मिलेगा। और किस एलिमेंट का आंसर आपको डैम श्योर मिलेगा, जो एलिमेंट अभी लास्ट रीड किया गया था, ये एलिमेंट, और लास्ट रीड करे हुए एलिमेंट के लिए स्टैक्स। तो यहां पे हमको स्टैक जैसी स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, सॉरी
और मैं ना ये स्टैक बनाऊंगा इंडेक्सेस की, मैं यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करूंगा, मैं एलिमेंट स्टोर नहीं करूंगा क्योंकि इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट मिल जाता है, एलिमेंट का यूज करके इंडेक्स नहीं मिलता। ठीक है चलो, तो चलो जीरो पुश कर देते हैं, जीरो यहां आ गया। ठीक है पहला एलिमेंट तो पुश कर ही देंगे, पहले एलिमेंट में तो क्या ही डिसीजन ले पाओगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो करंट एलिमेंट है सिक्स, लास्ट एलिमेंट कौन कौन सा है जो प्रोसेस होना बचा है, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट दैट इज फोर। ये जो एलिमेंट है सिक्स, क्या ये फोर से बड़ा है? जी हाँ ये फोर से बड़ा है। अगर ये फोर से बड़ा है मतलब आप इंक्रीजिंग कर पे हो, इस सिक्स की वजह से आपको इस फोर के लिए आंसर मिल गया है। तो आप एक आउटपुट एरे बना लो यहां, ठीक है, मैं सॉरी यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ी स्पेस कंस्ट्रेंट है। ठीक है तो देखो जैसे आपको इंडेक्स वन पे सिक्स मिला, आपने चेक करा इंडेक्स जीरो पे क्या पड़ा है फोर, इज सिक्स ग्रेटर देन फोर? जी हाँ सिक्स ग्रेटर देन फोर है, तो मुझे पहला एलिमेंट मिल गया है जो फोर से बड़ा है। तो ये जो इंडेक्स है ना यही आपका आंसर है जीरोथ इंडेक्स के लिए। तो जीरोथ इंडेक्स पे जाके मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा ए आर आर ऑफ वन, और इसका काम हो चुका है, इसको पॉप आउट कर दो। अब जीरो के लिए तो काम हो गया, बट हमें सिक्स का आंसर नहीं पता, तो यहां तक की एरे सॉर्ट हो गई है। अब वन को तुम डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दो, इंडेक्स वन को, कि यार भी इंडेक्स वन के लिए आंसर नहीं मिला। अगले एलिमेंट पे आते हैं, इंडेक्स टू, इंडेक्स टू पे पड़ा है थ्री, इज थ्री ग्रेटर देन द एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स वन? इंडेक्स वन पे पड़ा है सिक्स, क्या थ्री सिक्स से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब आप डिक्रीजिंग कर पे हो, डिक्रीजिंग कर पे हो इसका मतलब वेट करो, आप वेट करो। तो यहां पे मैं इंडेक्स डाल दूंगा टू और वेट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वन आया, इज वन ग्रेटर देन एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स टू? इंडेक्स टू पे पड़ा है टू, इज वन ग्रेटर देन टू? नो। तो ये भी वेट करेगा, इंडेक्स थ्री भी वेट करेगा। सेम चीज जीरो के लिए, जीरो भी वेट करेगा, इंडेक्स फोर भी वेट करेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, आप हो इंडेक्स फाइव पे, लास्ट कौन सा एलिमेंट है जो पेंडिंग है? वो है इंडेक्स फोर पे पड़ा हुआ है जीरो, जीरो पेंडिंग है। क्या करंट एलिमेंट जीरो से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। अगर करंट एलिमेंट जीरो से बड़ा है तो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है ना जीरो, उसका आंसर मुझे मिल गया है। तो आप फोर्थ इंडेक्स पे जाके नाइन स्टोर कर दो और यहां से फोर रिमूव कर दो। अब सोचने की बात क्या है कि ये नाइन हो सकता है ना सिर्फ जीरो को बल्कि और भी एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि अब लास्ट कौन सा एलिमेंट जो प्रोसेस नहीं हुआ? वन है। अगर जीरो नहीं होता तो ये नाइन इस वन को ही प्रोसेस करता ना। तो चलो देखते हैं, इज नाइन ग्रेटर देन द एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स थ्री? इंडेक्स थ्री पे पड़ा है वन, इज नाइन ग्रेटर देन वन? यस। तो नाइन इसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, या मैं कहूँ बैलेंस कर देगा और रिमूव कर देते हैं। इज नाइन ग्रेटर देन थ्री? यस। इज नाइन ग्रेटर देन सिक्स? यस। नाउ द स्टैक इज एम्प्टी। अब आप नाइन को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, लूप रोक दोगे आप यहां पे ऐड कर दोगे इंडेक्स फाइव जो कि है नाइन का, और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो फाइव आया, क्या फाइव नाइन से बड़ा है? मतलब इंडेक्स फाइव पे नाइन पड़ा है, तो इनकमिंग एलिमेंट फाइव है, इज फाइव ग्रेटर देन नाइन? नो। तो इसको वेट करना होगा, इंडेक्स सिक्स को वेट करना होगा। नाउ सिक्स, क्या सिक्स पिछले एलिमेंट यानी पांच से बड़ा है? इज सिक्स ग्रेटर देन फाइव? क्योंकि इंडेक्स सिक्स पे तो फाइव ही पड़ा है, इज सिक्स ग्रेटर देन फाइव? जी हाँ सिक्स बड़ा है फाइव से, तो हमें फिफ्थ इंडेक्स के लिए एक्चुअली आंसर मिल गया है सिक्स, सॉरी नॉट फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स के लिए आंसर मिल गया है सिक्स। और अब हम इसको पॉप आउट कर दें। अब क्या सिक्स नाइन से भी बड़ा है जो कि इंडेक्स फाइव पे पड़ा है? यहाँ पे इंडेक्स फाइव है, इंडेक्स फाइव पे नाइन है, क्या सिक्स नाइन से भी बड़ा है? जी नहीं, नाइन से बड़ा नहीं है, तो मतलब आप डिक्रीजिंग कर्व पे आ गए। देखो ये काइंड ऑफ लाइक डिक्रीजिंग टाइप कर्व है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो आपको वेट करना होगा, ठीक है चलो। अब सेवन आया, क्या सेवन सिक्स से बड़ा है जो इंडेक्स सेवन पर पड़ा था? जी हाँ, तो इंडेक्स सेवन पे आपको मिल गया सेवन। क्या सेवन नाइन से भी बड़ा है जो कि इंडेक्स फाइव पर पड़ा है? जी नहीं, तो अब सेवन वेट करेगा क्योंकि सेवन के लिए आंसर कंप्यूट करके लाना है। थ्री, क्या इंडेक्स थ्री
या सॉरी इंडेक्स 9 जिस पे 3 पड़ा है, क्या वो बड़ा है 7 से? इज 3 ग्रेटर देन 7? नो, तो इंडेक्स 9 को भी वेट करना होगा, लास्ट में इंडेक्स 2 को भी वेट करना होगा। अब तुम्हारी एरे प्रोसेस हो चुकी है। अब यहां स्टैक में जो भी एलिमेंट है ना, ये सारे वेट कर रहे थे कि आगे कोई इंक्रीजिंग कर्व इनको आके इनके लिए आंसर कंप्यूट कर दे, बट आगे कोई इंक्रीजिंग कर्व नहीं मिला। इन सारे इंडेक्सेस का आंसर हो जाएगा -1। ये इंडेक्स होगा 10, सॉरी मैंने 2 डाल दिया, इंडेक्स होगा 10। इन सारे इंडेक्सेस का आंसर हो जाएगा -1। ठीक लग रहा है? अब इस तरीके से आप एक्चुअली अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो कितने इंट्यूटिवली हमने सोचा ना कि एक इंक्रीजिंग कर्व है उसमें तो आंसर इमीडिएटली मिल जाता है, डिक्रीजिंग कर्व है उसमें वेट करना है कि जब कभी इंक्रीजिंग कर्व आएगा तो कुछ एलिमेंट डिक्रीजिंग कर्व के शायद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अब किस डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर करना चाहिए? स्टैक, क्योंकि तुम लास्ट वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस कर रहे हो, दैट्स इट। और इस सिंपल सी अप्रोच से आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सॉल्व कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? देखो हर एलिमेंट पे तुम जा रहे हो, हर एलिमेंट को वर्स्ट केस में तुम स्टैक में डालोगे और स्टैक में से रिमूव करोगे, तो हर एलिमेंट पे दो बार जाओगे, मतलब दो, एक बार स्टैक में ऐड करने के लिए, एक बार रिमूव करने के लिए, तो टेक्निकली 2n इज ऑर्डर ऑफ एन। पर यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। क्यों? क्योंकि आपको स्टैक मेंटेन करनी पड़ रही, हो सकता है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मिल जाए, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको वेट करना पड़ेगा और लास्ट में स्टैक से प्रोसेस होंगे, तो इसलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है, इसको कोड करने की कोशिश करते हैं और इसकी फिर एक दो वेरिएशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो यार, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कोड करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखूंगा ngE.cpp नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, अपनी बेस टेम्पलेट ले आऊंगा, और मुझे क्योंकि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए है ना, तो यहाँ पे कर देंगे हैश इंक्लूड स्टैक। और चलो ठीक है, एक काम और भी कर सकते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं। चलो अब हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, इस फंक्शन से हम लोग एक वेक्टर रिटर्न करेंगे इंटीजर की, जो कि हमारी आउटपुट वेक्टर होगी जिसमें सारे एलिमेंट के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर्ड है ngE। इसमें हम लोग एक वेक्टर पास करेंगे जो ओरिजिनल वेक्टर है arr, एक आउटपुट वेक्टर बनाएंगे जिसका साइज होगा n और वो इनिशियलाइज हो रखा होगा -1 से, ठीक है, तो int n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज। चलो एक स्टैक बनाते हैं इंटीजर की, इसमें इंडेक्सेस स्टोर करेंगे, और सबसे पहले स्टैक में पुश कर देते हैं इंडेक्स 0, ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। आप क्या चेक करोगे सबसे पहले, इफ क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, इफ नॉट st.empty स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, एंड जो इनकमिंग एलिमेंट आ रहा है मतलब arr टाई जो आ रहा है, क्या वो बड़ा है उस एलिमेंट से जिसको स्टैक का टॉप पॉइंट कर रहा है, जिसका इंडेक्स स्टैक के टॉप में है, arr ऑफ st.top। अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा है st.top, इसका आंसर है arr at i, ठीक है। और क्योंकि अब इसका आंसर निकल चुका है तो आप स्टैक को पॉप कर सकते हो। चलो अब आपको ये प्रोसेस रिपीटेडली करना है क्या, राइट? 9 ने जब 0 को इनिशियलाइज किया था, फिर उसके बाद उसके पिछले एलिमेंट को देखा, 1 को भी इनिशियलाइज कर दिया, 6 को भी कर दिया, एंड सो ऑन। तो इसको इफ में डालने की जगह वाइल में डाल देते हैं यार, जितनी बार भी ये कंडीशन ट्रू है ना कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और जो इनकमिंग एलिमेंट अभी आ रहा है वो तुम्हारे पेंडिंग एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब पेंडिंग सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट को न्यूट्रलाइज कर पा रहा है उन सबको एक ग्रेटर एलिमेंट मिलता जा रहा है। एक बार ही आपने जितने एलिमेंट्स न्यूट्रलाइज हो सकते थे उतने कर दिए, या फिर मान लो स्टैक ही एम्प्टी हो गई, उसके बाद अब आपका खुद का आंसर भी तो निकालना है, तो आईथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट था जो सबके लिए आंसर निकाल रहा था, अब हम उसका आंसर निकालने के लिए उसको वेट लिस्ट में डालेंगे, दैट्स इट। जितने भी इंडेक्सेस बच जाएंगे स्टैक में उन सब पे ऑलरेडी -1 ही पड़ा हुआ है, तो हमें अलग से कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वरना तुम टेक्निकली ये कोड लिख सकते थे कि वाइल नॉट st.empty आउटपुट ऑफ st.top इज इक्वल्स टू -1 st.pop, ठीक है। आप ये कर सकते हो, बट वही इंडेक्सेस बचे होंगे जिनको ऊपर एलोकेशन नहीं हुआ, राइट?
एंड उन इंडेक्सेस पे ऑलरेडी माइनस वन पड़ा है, बट ठीक है, मतलब अलग से एक सेफ्टी चेक रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मतलब दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस व्हाइल लूप इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी कब हो जाता है, जब आपने अपना जो इनिशियलाइजेशन है ना वो माइनस वन की जगह किसी और चीज से करा होता, एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे आउटपुट। ठीक है, चलो इनपुट ले लेते हैं, जैसे व्हाइल एन माइनस माइनस इंडेक्स सी इन एक्स v डॉट पुश x पुश बैक। ठीक है, वेक्टर बन गया, अब हम बनाएंगे एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ v और इस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इस रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं, रन करते हैं फाइल को। ठीक है, ये हमसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है तो सेम इनपुट दे देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस वगैरह कर देंगे, तो लेट्स से 10 एलिमेंट्स में दे देता हूँ, फिर 4 6 3 1 0 9 5 6 7 3। ठीक है, आइए से 10 एलिमेंट्स हो गए हैं, 3 यहाँ पे, 3 6 3 9 10। हाँ ठीक है, रन करते हैं, देखो 4 के लिए 4 से बड़ा एलिमेंट जो उसके राइट साइड पे है वो 6, 6 के लिए 6 से बड़ा एलिमेंट उसके राइट साइड पे है 9, 3 के लिए भी 9, 1 के लिए भी 9, 0 के लिए भी 9, 9 के लिए 9 के राइट साइड कुछ बड़ा है ही नहीं तो -1, 5 के लिए 5 के राइट साइड बड़ा है 6, 6 के लिए 6 के राइट साइड बड़ा है 7, 7 के लिए उसके राइट साइड पे कोई बड़ा नहीं है तो -1, 3 के लिए उसके राइट साइड पे कोई बड़ा नहीं है तो -1। और देख रहे हो तुम कितने आसानी से हमने जो जो बातें कही थी वही करी ना, एक एक करके एलिमेंट ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं देख रहे हैं कि यार वो कुछ पुराने एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो इंक्रीजिंग कर पे हो, अगर नहीं कर पा रहा तो बस उस एलिमेंट को पुश कर दो, और अगर कर दिया है तो उन सारे एलिमेंट्स के लिए आंसर तुम जनरेट कर दो। एट लास्ट ये व्हाइल लूप मैंडेटरी नहीं भी है क्योंकि तुम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हो, एंड दैट्स इट। इस कोडिंग इंप्लीमेंटेशन का यूज करके आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा फाइट नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का ना एक छोटा सा वेरिएशन सोचो, यार तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की जगह कोई मान लो ये कह देता कि नेक्स्ट स्मॉलर चाहिए, तो नेक्स्ट स्मॉलर चाहिए, तो यार मेरे से छोटा एलिमेंट मेरे पास, यार तो उसमें कोई फाइट है क्या? यहां पे आप ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है आपने कि यार इनकमिंग एलिमेंट पुराने एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है, अब आपको क्या चेक करना होगा, इनकमिंग एलिमेंट पुराने एलिमेंट से छोटा तो नहीं है, यहां पे बस साइन कर दो लेस देन और ये पूरा का पूरा कोड बन गया है अब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, क्योंकि अब जो इनकमिंग एलिमेंट है वो चेक करेगा अच्छा मेरा पिछला एलिमेंट मुझसे बड़ा तो नहीं है, क्योंकि अब जब तुम डिक्रीजिंग कर पे हो ना, मान लो तुम्हें स्मॉलर निकालना है, जब तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर निकालना है, जब तुम डिक्रीजिंग कर पे हो तब तुम्हें ऑटोमेटिकली इस टाइम आंसर पता है, नेक्स्ट ग्रेटर में इंक्रीजिंग कर्व पे आंसर पता होता है, नेक्स्ट स्मॉलर में डिक्रीजिंग पे पता है, तो अगर अगला एलिमेंट मेरे पिछले एलिमेंट से क्या है बड़ा है तो इसका आंसर तो यहां मिल गया ना नेक्स्ट स्मॉलर, बट अब वेट किसको करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग कर्व पे, इंक्रीजिंग कर्व पे आपको वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। इस छोटे से सिंबल के चेंज से अभी यहां पे ग्रेटर देन है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और यहां पे कर दो लेस देन और इसे कर दो एनएससी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, दैट्स इट। और मान लो अब तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर या नेक्स्ट स्मॉलर नहीं, कोई तुम्हें कहे भाई प्रीवियस ग्रेटर ला दो या प्रीवियस स्मॉलर ला दो, तो कैसे करेंगे? यार प्रीवियस ग्रेटर प्रीवियस स्मॉलर लाना भी बहुत आसान है, तुम ना छोटा सा हैक बताता हूं, एरे है, एरे को रिवर्स कर लो, एरे को रिवर्स करके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो भी तुम्हें निकालना निकाल लो और उसको वापस दोबारा रिवर्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल अब ये एरे है, इस पूरी एरे को रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 7 6 5 9 0 1 3 4 3 6 4। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपने इसको रिवर्स कर दिया, अब इसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लो, 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर है 3, 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 7, 7 के लिए है 9,
सिक्स के लिए है नाइन, फाइव के लिए है नाइन, नाइन के लिए माइनस वन, जीरो के लिए वन, वन के लिए थ्री, थ्री के लिए सिक्स, और सिक्स के लिए माइनस वन, फोर के लिए माइनस वन। ये आ गया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, है ना। अब इन्हीं सारे एलिमेंट्स को अगर मैं स्वॉप कर दूं, माइनस वन सिक्स थ्री वन, माइनस वन नाइन 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 सेवन थ्री, ये वापस रिवर्स हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ फोर से पहले फोर से छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस वन, ठीक है। और या इसको पूरा ना बना के भी देख लेते हैं, चलो जैसे मान लो तुम्हारे पास एलिमेंट है फोर सिक्स थ्री वन जीरो नाइन फाइव सिक्स सेवन, ये लेते हैं फाइव सिक्स सेवन, इस पूरी एरे को रिवर्स कर दो, सेवन सिक्स फाइव नाइन जीरो वन थ्री सिक्स फोर। अब इस एरे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मान लो निकाल लो, सेवन के लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो गया नाइन, सिक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो गया नाइन, फाइव के लिए हो गया नाइन, ठीक है, नाइन के लिए हो गया सेवन सिक्स फाइव, नाइन के लिए हो गया माइनस वन, जीरो के लिए हो गया वन, वन के लिए हो गया थ्री, थ्री के लिए हो गया सिक्स, माइनस वन माइनस वन। अब ये जो डेटा आया ना, अब तुम इस डेटा को रिवर्स कर दो, माइनस वन सिक्स थ्री वन माइनस वन नाइन नाइन नाइन, ठीक है। देखो चलो देखते हैं, क्या फोर से पहले फोर से बड़ा कोई एलिमेंट है, प्रीवियस ग्रेटर निकाल रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ग्रेटर चेक कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स करके हमने नेक्स्ट ग्रेटर लगाया था। क्या फोर से पहले फोर का फोर से बड़ा कुछ है, नहीं है, माइनस वन, सिक्स से बड़ा उससे पहले कुछ है, नहीं, माइनस वन, थ्री से पहले थ्री से बड़ा सिक्स है, वन से पहले वन से बड़ा कुछ नहीं है, जीरो से पहले जीरो से बड़ा वन है, एंड सो ऑन, देख रहे हो, नाइन के लिए नाइन से पहले कुछ बड़ा नहीं है तो माइनस वन। तो बस आप अपने एरे को रिवर्स कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। कई लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जब तुम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे हो तो जिन एलिमेंट्स के लिए कभी कोई नेक्स्ट ग्रेटर नहीं मिला तो वहां पे माइनस वन मत स्टोर करो, एरे डॉट लेंथ स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्टैक है इसको प्रोसेस करते टाइम माइनस वन की जगह एरे डॉट लेंथ डाल लो, और सेम प्रीवियस स्मॉलर निकालना है तो तुम रिवर्स करके नेक्स्ट स्मॉलर निकालो, उसको रिवर्स कर दो तो तुम्हारा प्रीवियस स्मॉलर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो सेम ही प्रॉब्लम का यूज करके तुमने चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, यही क्रक्स होता है इस प्रॉब्लम का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो तुम स्टैक में फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि प्रॉब्लम का लॉजिक सब लोगों को क्लियर है, सबको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे कोड करके जरूर देखना ताकि आइडिया लग जाए कि व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली डिमांड्स। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम है स्टॉक स्पैन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, देखना। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि गिवन अ सीरीज ऑफ एन डेली प्राइस कोट्स फॉर अ स्टॉक। तो किसी एक कंपनी का कोई स्टॉक है, मान लो जोमैटो का स्टॉक है, उस स्टॉक के एन दिनों के प्राइस कोट्स आपको गिवन है कि एन डेज में उस स्टॉक के प्राइस का क्या रहा। वी नीड टू कैलकुलेट द स्पैन ऑफ द स्टॉक्स प्राइस फॉर ऑल एन डेज। हर दिन जो भी प्राइस था ना, उस प्राइस का स्पैन निकालना है। एक टर्म ये लोग डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, स्पैन, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, कोई एक कंपनी का स्टॉक है, उसके एन डिफरेंट डेज के प्राइस गिवन है, हर दिन का स्पैन निकालना है। स्पैन क्या होता है, द स्पैन ऑफ द स्टॉक्स प्राइस इन वन डे इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे एंड गोइंग बैकवर्ड फॉर विच स्टॉक प्राइस वॉज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द करेंट डे। कि यार किसी भी आईएथ डे का स्पैन पता है क्या होता है, कि आईएथ डे और आईएथ डे से पहले ऐसे कितने कॉन्जिक्यूटिव डेज थे जब स्टॉक का प्राइस या तो आईएथ डे के प्राइस के बराबर था या उससे कम था। दोबारा बताता हूं, किसी भी आईएथ डे का स्पैन, देखो ये बात तो पक्की है कि स्पैन हमें हर दिन का निकाल, स्पैन एक ऐसी टर्म है जो हर दिन के लिए निकलेगी। तो किसी भी आईएथ डे का स्पैन क्या होगा, किसी भी आईएथ डे का स्पैन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि यार आईएथ डे और आईएथ डे से पहले ऐसे कितने कंसेक्यूटिव डेज थे जहां पे आईएथ डे और आईएथ डे से पहले ऐसे कितने कंसेक्यूटिव डेज थे जहां पे स्टॉक का प्राइस या तो आईएथ डे के बराबर था या आईएथ डे के प्राइस से कम था, वो आईएथ डे का स्पैन हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे रखते हैं
इसको 80 लेते हैं, 60 70 60 75 85, ठीक है, ये है तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डिंग एरे। अब तुम ये बताओ, ये है डे जीरो, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, है ना, ये डे जीरो है। जीरोथ डे से पहले, जीरोथ डे एंड जीरो डे से पहले, जीरो डे से पहले से कितने दिन है जब स्टॉक का प्राइस 100 या 100 से कम है? एक ही दिन है, क्योंकि जीरो से पहले कोई दिन ही नहीं है, तो एक ही दिन है जिस दिन प्राइस 100 या 100 से कम है, तो यहां पे स्पैन हो जाएगा वन, इस दिन का स्पैन आ गया वन। अब फर्स्ट डे पे प्राइस 80 है, तो अब फर्स्ट डे का स्पैन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? फर्स्ट डे और फर्स्ट डे से पहले ऐसे कितने कॉन्सिक्यूटिव डेज थे जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू 80 था? देखो, एक ही दिन है जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू 80 है, क्योंकि उसके जस्ट बाद तो प्राइस ग्रेटर देन 80 हो जा रहा है, तो यहां के लिए भी आंसर वन हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे, ऐसे कितने दिन है फ्रॉम द सेकेंड डे एंड गोइंग बैकवर्ड्स जहां पे प्राइस लेस देन और इक्वल टू 60 हो? तो यहां पे प्राइस 60 है, राइट, और इसके बाद 60 का प्राइस बढ़ गया, प्राइस 60 से बढ़ गया, तो यहां पे भी स्पैन वन ही हुआ ना। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा, 70, तुम ये देख सकते हो थर्ड डे से पहले सेकेंड डे पे भी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 70 है। थर्ड डे पे तो लेस देन इक्वल टू 70 है ही, सेकेंड डे पे भी लेस देन इक्वल टू 70 है, बट सेकेंड के बाद तुम्हें इमीजिएटली ग्रेटर देन 70 मिल गया, तो थर्ड इंडेक्स के लिए स्पैन हो गया 2। कि यार थर्ड डे के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो थर्ड दिन को मिलाकर ऐसे दो दिन है जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू 70 और 70 क्या है, प्राइस ऑन द थर्ड डे। इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि अब देखो इसके तो जस्ट लेफ्ट साइड वाला एग्जैक्टली क्या है, ग्रेटर देन 60 है, राइट, यहां पे आते हैं 75, ठीक है। अब अगर तुम 75 के रिस्पेक्ट में देखो तो यार 75 से लेस देन और इक्वल टू 75, तो ये चार वैल्यूज आ रही है कि यार फिफ्थ डे और फिफ्थ डे से पहले ये चार वैल्यूज कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव रखने का ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 60 है फिर ये 80 है फिर ये दोबारा 60 है, नहीं, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, अगर एक भी ग्रेटर देन आ गया तो वो कंसेक्यूटिवनेस ब्रेक हो गई। तो फिफ्थ डे और फिफ्थ डे से पहले ऐसे चार लगातार दिन है जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू 75 है, तो फिफ्थ डे के लिए स्पैन हो गया 4। सिक्स्थ डे, अब सिक्स्थ डे से तुम देखोगे तो सिक्स्थ डे से पहले लेस देन और इक्वल टू 85 प्राइस है फॉर 6 कंसेक्यूटिव डेज, तो यहां पे तुम्हारा स्टॉक स्पैन आ गया 6। और ये जो आउटपुट एरे है ना, ये आउटपुट एरे आपको रिटर्न करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो एन लेंथ की आउटपुट एरे आपको रिटर्न करनी है। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, किसी एक कंपनी के एन डेज के स्टॉक गिवन है, आपको हर दिन का स्पैन निकालना है। किसी भी दिन का स्पैन वो होता है यार उस पर्टिकुलर दिन को इंक्लूड करते हुए और उससे पहले कितने और ऐसे दिन थे जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ आईथ डे था, ठीक है। अब सुनने में लगेगा यार ये अच्छा, काफी अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत फाइट लग सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम इंटरनेट पे भी जाओगे तो तुम्हें दिखेगा अच्छा अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत लड्डू टाइप क्वेश्चन है। तुम कहोगे लड्डू टाइप क्वेश्चन है क्यों? हमने जो भी पीछे चार क्वेश्चन देखे ना, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, उससे ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे यार? तुम एक बात बताओ, 85 का जो ये स्पैन 6 कैलकुलेट होकर आया, ये क्यों होकर आया? 85 का अपना इंडेक्स है 6, 6 से पहले अगर तुम ये निकाल लो कि पहला ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसपे वैल्यू 6th इंडेक्स से बड़ी है, मतलब तुम फॉर एवरी इंडेक्स पीजीई निकाल लो, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट पीजीई निकाल लो, ठीक है, कि यार किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से पहले, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से पहले पहली ऐसी कौन, मतलब लेफ्ट साइड पे या कह सकते हो पहले मतलब लेफ्ट साइड पे, कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट साइड पे पहली ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस वैल्यू से बड़ी है। जैसे तुम्हें पता लगा अच्छा जीरोथ इंडेक्स पे एक वैल्यू है जो 85 से बड़ी है, तो हमें पता है ना इस बीच ये सब कुछ लेस देन और इक्वल टू 85 है, एज सिंपल एज दैट।
तो अगर तुम्हें पता लगा कि अच्छा प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स सिक्स इंडेक्स के लिए मैं कहूँ 85 के लिए जीरो है, तो 85 का आंसर क्या होगा, 85 का अपना इंडेक्स माइनस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स, कैन आई से दैट, सिक्स माइनस जीरो इज सिक्स, देखो सिक्स है आंसर। 75 के लिए देखते हैं, 75 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 80। कि 75 के लेफ्ट में पहला ऐसा एलिमेंट जो ग्रेटर देन 75 है वो है 80। 100 भी ग्रेटर देन 75 है बट पहला ऐसा एलिमेंट जो ग्रेटर देन 75 है वो है 80। तो 75 के लिए आंसर क्या होगा, इंडेक्स ऑफ 75 माइनस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 1, दैट इज 4। 60 देखो, अब 60 से तो पहले तो कुछ है ही नहीं, 60 से बड़ा अगर मैं देखूं, प्रीवियस ग्रेटर निकालना है ना, तो 60 से पहले तो इससे बड़ा इसके जस्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा है, तो 60 का प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स तो क्या आ गया, 3, सो 4 माइनस 3 इज 1, देख लो। 100 देखोगे, अब ये केस है जीरोथ इंडेक्स के लिए आंसर हमेशा बन रहेगा, ये तुम्हें ध्यान में लेके चलना है, ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। और तुम ये भी कह सकते हो कि देखो यार 100 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो माइनस वन होगा, सो जीरो माइनस माइनस वन इज वन, तुम ऐसे भी देख सकते हो। तो तुम देख रहे हो हर एलिमेंट के लिए तुम बस प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स निकाल लो, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स निकालना तो ऑर्डर ऑफ एन का काम होता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में हो जाएगा। और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालना मैंने सिखाया, तुम क्या करो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना आता है तो जो गिवन आ रहा है उसको रिवर्स करो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालो, जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की आउटपुट आ रही है इसको रिवर्स कर दो। ये नहीं करना चाहते हो तो वो जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला लॉजिक था ना, जो तुम लेफ्ट टू राइट चलाते थे, वो बस राइट टू लेफ्ट चला दो यार, इसको मानो स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको मानो एंडिंग इंडेक्स और राइट टू लेफ्ट चला दो, दैट्स इट। तुम प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स कैलकुलेट कर पाओगे और उससे तुम स्टॉक स्पैन भी निकाल पाओगे, बहुत ही आसान है। तो चलो एक बार ही ट्राई लेते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से सब कुछ कॉपी कर लाता हूं, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है, और टेक्निकली नेक्स्ट ग्रेटर भी नहीं चाहिए हमें, प्रीवियस ग्रेटर चाहिए। अब प्रीवियस ग्रेटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एरे को पहले रिवर्स करेंगे। तो एक फंक्शन होता है हमारे पास रिवर्स, उसमें आप एरे डॉट बिगिन पास कर सकते हो और एरे डॉट एंड पास कर सकते हो, ठीक है, और जो भी आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस आउटपुट को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। चलो तो रिवर्स आउटपुट डॉट बिगिन आउटपुट डॉट एंड, और रिवर्स में तो कोई फाइट है नहीं, रिवर्स ऑर्डर ऑफ एन में हो जाता है, और जो क्योंकि तुम देखो यहाँ पे एरे में बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ, तो इस एरे को जो तुमने रिवर्स कर दिया था ना, उसको रिवर्ट कर दो ताकि जब ओरिजिनली वापस ये मेन में जाए तो ओरिजिनल फॉर्म में जाए, क्योंकि एक बार रिवर्स किया फिर से रिवर्स किया तो ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी, और बन गया यार प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट बन गया हमारा, कोई फाइट ही नहीं लगी, ठीक है। चलो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलिमेंट लूंगा, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालूंगा, अब हर इंडेक्स पे जाके, अब हर इंडेक्स के लिए आउटपुट कैलकुलेट करना है, राइट, तो आउटपुट पता क्या होगा, चलो देखते हैं। सी आउट स्टॉक स्पैन निकालना है ना, तो आईथ इंडेक्स का स्टॉक स्पैन क्या होगा, आई माइनस प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स ऑफ आई, दैट्स इट, ये हम प्रिंट कर देंगे, सॉरी ये एरे का नाम है रिजल्ट। चलो रन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहां पे देंगे 7 डेज दे देते हैं, 100, 80, 60, 70, 60, 75, 85, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है, ओह ओके, अच्छा एक चेंज और करना पड़ेगा, क्या चेंज है, अब अभी ना जो तुमने पहले इंप्लीमेंटेशन लिखी थी नेक्स्ट ग्रेटर की नेक्स्ट स्मॉलर की, उसमें जो आउटपुट है रे, उसमें ना एक्चुअल नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर्ड है, बट यहाँ पे स्टॉक का स्पैन निकालने के लिए मुझे एक्चुअल नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं चाहिए, या सॉरी प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट एक्चुअली नहीं चाहिए, मुझे बस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, मुझे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जो आउटपुट में ए आर आर एट आई सेट कर रहा हूँ ना, मैं आउटपुट में आई सेट कर दूंगा,
तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो रन करते हैं, दोबारा से इनपुट ले लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 100 के लिए 1 आ रहा है, ठीक लग रहा है, 80 के लिए -5 आ रहा है। चलो पहले तो एक काम करते हैं, रिजल्ट ऑफ आई प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एक्चुअली प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के इंडेक्सेस क्या आ रहे हैं। चलो देखते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये 80 के लिए आंसर 6 क्यों आ रहा है, चलो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऊपर के लॉजिक को एक बार ही पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। हमने यहाँ पे एरे को रिवर्स कर दिया, एक बार ये एरे भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली सही में रिवर्स हो रही है नहीं हो रही है। arr.size, ठीक है, चलो ठीक है। देखो एरे तो रिवर्स हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो रिवर्स एरे है, क्या इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सही से आ रहा है, इसे देख लेते हैं। तो इस बार ही हम लोग लूप लगाएंगे आउटपुट पे। ठीक है, रन करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। चलो ठीक है, 85 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है इंडेक्स 6 पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 सही लग रहा है। 75 के लिए आ रहा है इंडेक्स 5 पे, सही आ रहा है। 60 के लिए आ रहा है इंडेक्स 3 पे, सही आ रहा है। 70 के लिए भी आ रहा है इंडेक्स 5, 60 के लिए भी आ रहा है इंडेक्स 5, 80 के लिए आ रहा है इंडेक्स 6 और 100 के लिए आ रहा है -1, ठीक लग रहा है। चलो अब आउटपुट को हमने रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे आउटपुट को रिवर्स कर दिया, देखते हैं रिवर्स आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, -1 6 5 दिस, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं, तो अब 100 के लिए हमारे पास -1 आ रहा है, अच्छा ठीक है। चलो देखो, अब अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि यार स्टॉक स्पैन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए था प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80 के लिए हमने जब नेक्स्ट ग्रेटर इंडेक्स निकाला तो वो क्या निकला, 6 राइट, जो कि सही भी है, 80 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 100 है। बट जब आप एरे रिवर्स हो जाएगी ना, तो इस 100 का इंडेक्स तो बदल जाएगा, तब ये 100 इंडेक्स 6 पे नहीं रहेगा ना, एरे रिवर्स होने के बाद इंडेक्स 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग कोड में, क्या करेंगे ये देखो, यहां पे हम लोग आउटपुट सेट कर रहे हैं ना, अब आउटपुट में हम लोग आई सेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे n-i-1 सेट कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि यार n-i-1 का लॉजिक क्या है, चलो देखते हैं। देखो ये 7 लेंथ की एरे है, अभी 100 का इंडेक्स क्या है 6, रिवर्स होने के बाद 100 का इंडेक्स क्या होगा 7-6-1, 80 का इंडेक्स क्या है 5, रिवर्स होने के बाद क्या होगा 7-5-1, दैट इज इंडेक्स 1, है ना। तो यहां पे n-i-1 स्टोर करेंगे, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर रिवर्स द इंडेक्सेस विल चेंज। अगर सिर्फ वैल्यू निकाल रहे होते, क्योंकि पहले याद है पहले हम लोग सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अब हमें एक्चुअल इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स तो रिवर्स करने से चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ये स्मॉल चेंज हम लोग यहां पे कर देंगे। चलो रन करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, क्या क्या सही है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हम यहां पे रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं रिजल्ट की जगह प्रिंट कर दूंगा i-result। ठीक है, और तुम देख सकते हो हमारे पास स्पैन आने लग गया है, ये जो भी मैंने लॉग्स लगाए हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, 100 का स्पैन आ रहा है 1,
80 का 1, 60 का 1, 70 का 2, 60 का 1, 75 का 4, 85 का 6. देखो सही आ रहा है. तो देखो सेम टू सेम अप्रोच लगा दी हमने. मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोड करते टाइम बस ध्यान दिया कि अच्छा इंडेक्स रिवर्स हो जाने पे इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो जो चेंज होने के बाद इंडेक्स आएगा वही स्टोर कर लेते हैं ना, फाइट क्यों करनी है, और दैट्स इट. तो देखो वही सेम प्रॉब्लम आपने जो सॉल्व करी थी नेक्स्ट ग्रेटर वाली, उससे हमने प्रीवियस ग्रेटर निकाला था और प्रीवियस ग्रेटर से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन. तो बहुत ही आसान होता है स्टॉक स्पैन को एक्चुअली समझना और कोड करना. हो सकता है तुम्हें ऑनलाइन कुछ डिस्कशन मिले जहां पे इस प्रॉब्लम को एकदम नई प्रॉब्लम करके ही डिस्कस कर रहे होते हैं, बट अगर तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर, प्रीवियस ग्रेटर, नेक्स्ट स्मॉलर, प्रीवियस स्मॉलर निकालना आता है तो दिस प्रॉब्लम शुड बी अ केक वॉक. तो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आई है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लेट्स सी कि व्हाट दैट न्यू प्रॉब्लम हैज टू ऑफर. तो चलो यार अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक काफी फेमस प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम का नाम है हिस्टोग्राम. ठीक है चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है. द प्रॉब्लम सेज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स. आपको एक एरे गिवन होगी इंटीजर्स की, एन लेंथ की मान लो, विच इज नेम्ड एज हाइट्स. एरे का नाम है हाइट्स. रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोग्राम बार हाइट वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज वन. आपको एक हिस्टोग्राम गिवन है. हिस्टोग्राम में बहुत सारे बार्स होते हैं. तो ये एरे क्या रिप्रेजेंट करती है, हर बार की हाइट रिप्रेजेंट करती है और हर बार का विड्थ सेम है वन यूनिट. आपको लार्जेस्ट एरिया, और आपको ऐसा एरिया रिटर्न करना है जिसमें आपका लार्जेस्ट रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता हो, राइट right? या फिर मैं कहूँ लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, एंड सो ऑन. ऐसे ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं. आपको उस रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करना है जिसका एरिया मैक्सिमम है. ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है 10 यूनिट्स, क्योंकि हाइट लग रहा है 5 यूनिट की है, विड्थ है 2 यूनिट्स की. अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो आप मैक्सिमम यही बना पाओगे या फिर आप ऐसा कुछ बना पाओगे, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आप यहां पे कुछ बनाते हो तो हाइट है 1 और यूनिट है 5. यहां पे आप बनाते हो हाइट है 2 यूनिट है 3, राइट right? तो बेटर, दिस वन इज बेटर. तो आपको ऐसे ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स फाइंड करने और उसमें से वो रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करना है जिसका एरिया मैक्सिमम है. अब अगेन सुनने में लगेगा अच्छा हिस्टोग्राम है, बार्स आ रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसा कुछ करना है, बहुत ही मुश्किल सा सवाल लग रहा है. बट मैं अगेन कहूंगा ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है. अगर आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ये सॉल्व करा हुआ है, केक वॉक है प्रॉब्लम. ठीक है ओके. अगर तुम ध्यान से देखो हर बार की विड्थ तो 1 यूनिट है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करो कि यार अगर मैं इस पूरे बार को कंसीडर करूं और इसको लेफ्ट और राइट साइड एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो इस करंट आईथ बार से कितना बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट बार 2 रखूं यार, इसको मैं लेफ्ट और राइट एक्सपैंड करूंगा तो इतना बड़ा बार इतना बड़ा रेक्टेंगुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर एरिया आ जाएगा, राइट. सेम थिंग यहां पर तुम कहोगे इससे फायदा क्या है. अगर तुम्हें एक बार के रिस्पेक्ट में पता लग गया कि वो बार कितना बड़ा रेक्टेंगल मैक्सिमम बना सकता है, तो ऐसा मैं हर बार के लिए कैलकुलेट कर लूंगा यार इस बार से बनने वाला सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल जिसमें पूरा बार आ रहा हो, बिगेस्ट रेक्टेंगल एंड सो ऑन, राइट. और उसमें से जो मैक्सिमम एरिया होगा वो मेरा आंसर होगा. अब यार तुम ये कैसे निकालोगे कि किसी भी बार के लिए, किसी भी बार के लिए हम उसको कितना एक्सपैंड कर सकते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए. देखो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, मान लो ये 2 यूनिट हाइट का बार है, इसको आप राइट साइड में एक्सपैंड कर पा रहे हो क्योंकि राइट साइड वाला बार या एटलीस्ट 2 लेंथ का है, बट इसको उसके आगे बियॉन्ड नहीं कर एक्सपैंड कर सकते क्योंकि अब यहां पे जो राइट साइड है ये एम्प्टी है, यहां पे कोई बार है ही नहीं. या मैं कहूं अगर होता भी मान लो 1 यूनिट का तो भी नहीं होता, ये वैक्यूम फिल करना पड़ता, राइट. सो आप क्या देखो कि यार अगर आपके पूरे बार को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो राइट साइड और लेफ्ट साइड कितना एक्सपैंड कर सकता है. एक्सपेंशन रुक जाएगा जैसे ही आप एक
लेसर एलिमेंट को फिगर आउट करके ले आओगे कि यार आपको 2 के लेफ्ट साइड पहला ऐसा एलिमेंट मिल गया जो लेस देन 2 है, 2 के राइट साइड पहला ऐसा एलिमेंट मिल गया जो लेस देन 2 है, राइट ये करना हमें आता है। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, यार तुम ये कैलकुलेट कर लो कि इस पर्टिकुलर बार के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स एंड दैट टू इंडेक्स, इसका नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स कहां है, चलो देखते हैं। अगर तुम इस पिलर एट इंडेक्स 4 की बात करो तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है इंडेक्स 6 पे, दैट इज 0, और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है इंडेक्स 1 पे, दैट इज 1। तो अगर तुम देखो तो हम इसको कितना मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेट्स से नेक्स्ट स्मॉलर की इंडेक्स है आई, इसकी इंडेक्स है जे, राइट, तो हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हाइट ऑफ द बार मल्टीप्लाइड बाय ये रीजन माइनस ये रीजन, दैट इज आई माइनस वन, सॉरी दिस इज आई माइनस वन, दिस इज जे, सो दिस लेंथ, लेट्स सी, सो दिस इज 6 राइट एंड दिस इज 1, सो यू कैन से 6 माइनस 1 माइनस 1, सो दिस विल बी आई माइनस जे माइनस 1, सी लेट्स सी, लेट्स से फॉर दिस 1 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर दिस 1 इज आउट ऑफ द एरिया, लेट्स आई विल टेक इट एज इंडेक्स 12 एंड प्रीवियस स्मॉलर इट एज इंडेक्स 1, सो द मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल दैट वी कैन फॉर्म इज 12 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज सॉरी 12 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 12 ओनली, सो यू कैन सी वी हैव 12 एज द विड्थ, 1 एज द हाइट, सो 1 इंटू 12 इज 12, ओके। इफ यू सी दिस 5, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इज एट इंडेक्स 4, प्रीवियस स्मॉलर इज एट इंडेक्स 1, 4 माइनस 1 माइनस 1 इज 2, एंड कैन यू सी 5 जस्ट नीड्स 2 विड्थ ऑफ ब्लॉक एंड द हाइट रिमेन्स फॉर 5। For 6, the next smaller element is just right to it, next previous smaller is just left to it, and let's say this is 4, this is 2, 4 minus 2 minus 1 is 1, hence we have it. So, agar aap kisi bhi tarike se apne particular bar ke liye next smaller element nikal lo, ya previous smaller aur saath saath previous smaller element nikal lo, dono ke club se hamara kaam ban sakta hai. Ek bas catch hai ki maan lo, for example, 6 के लिए मान लो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में तुम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे का लेंथ डाल दो, क्योंकि उससे कॉम्पिटिशन आसान हो जाएगी, माइनस वन करने से पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर, चलो लिखते हैं 1, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर 12 लेंथ ऑफ द एरे, 2 का नेक्स्ट स्मॉलर 4, 3 का नेक्स्ट स्मॉलर 4, 4 का नेक्स्ट स्मॉलर 6, एंड इन फैक्ट यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, बिकॉज 1 से छोटा यहाँ पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके लिए भी हो जाएगा 6, 6 के लिए लेट्स सी 12, ठीक है, 7th के लिए 8, 8th के लिए भी 12, 9 के लिए let's see, okay, I guess this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, if this is 12 then this should be 13, okay, now 10th index ke liye we have at 11, 9th index ke liye bhi 11, 10th index ke liye bhi 11, 11th index ke liye we have 13, right, and 12th index ke liye bhi we have 13. This is the next smaller element. And this is the index. ये ना index है next smaller element का. अब इसी तरीके से तुम previous smaller element के index निकाल लो. जैसे तुम्हें index मिला, मान लेते हैं कि I is the index of next smaller element. J is the index of previous smaller element. तो width कितनी हो जाएगी? I minus J minus 1. Right? और height कितनी हो जाएगी? Bar height. राइट, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के इंडेक्स कैलकुलेट करना ऑर्डर ऑफ एन का टास्क है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के इंडेक्स कैलकुलेट करना ऑर्डर ऑफ एन टास्क है, एक बार दोनों कैलकुलेट अगर आ गए
तो आप हर इंडेक्स पे जाओ और ये फॉर्मूला लगा दो, आपका काम बन जाएगा, राइट। तो ये काफी एक सिंपल और बेसिक अप्रोच होती है हिस्टोग्राम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप इससे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे तो एक दो ऑप्टिमाइजेशंस लग जाएंगी, बट ओवरऑल अगर असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में आप सोचने की कोशिश करोगे तो दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल। ठीक है, आपका काम ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो चुका है। ठीक लग रहा है, एंड दैट्स इट। तो क्या देखा हमने, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते। मैंने ये कहा कि यार किसी भी पर्टिकुलर बार के लिए क्यों ना मैं ये देख लूं कि इस बार को इंक्लूड करने के बाद कितना बड़ा रेक्टेंगल बनता है। अब अगर इस बार को इंक्लूड कर रहे हैं तो हाइट इतनी ही रखेंगे, विड्थ बढ़ाएंगे घटाएंगे। विड्थ बढ़ेगी घटेगी कैसे, जैसे तुम्हें सेम हाइट का या फिर अपने से बड़े हाइट का एलिमेंट मिल रहा है तब तक तुम एक्सपैंड करोगे, जैसे ही तुम्हें एक स्मॉलर एलिमेंट मिला यू विल स्टॉप एक्सपैंडिंग, राइट। सेम चीज ऑन द लेफ्ट साइड। और एक बार आपको पता लग गया कि आई है हमारा इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, जे है इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, देन आई माइनस जे माइनस वन विल बी द आंसर फॉर द करेंट पर्टिकुलर बार, एज सिंपल एज दैट। तो इस अप्रोच का यूज करके आप दो एरेज मेंटेन कर सकते हो, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स एलिमेंट की, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स एलिमेंट की। नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स एलिमेंट में तुमने देखा कि मैंने, क्योंकि अब आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी जगह मैंने एरे की लेंथ डलवा दी है। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स विल रिमेन सेम, वो माइनस वन वाली लॉजिक पे ही चलेगा इनकेस स्टैक में एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, राइट। सो ये तो थी अप्रोच जिसका यूज करके आप हिस्टोग्राम्स को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पिछली अप्रोच में तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स मिल जाए हर एलिमेंट का और प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स मिल जाए, इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है कि यार तुम्हें एरे को ना दो बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बारी तुम नेक्स्ट स्मॉलर के फंक्शन में पास करोगे, पूरी एरे पढ़ोगे, कुछ कुछ करोगे, फिर एक बारी प्रीवियस स्मॉलर के फंक्शन में पास करोगे, पूरी एरे पढ़ोगे। टेक्निकली तुम ये प्रॉब्लम सिंगल पास में भी सॉल्व कर सकते हो। तुम सोचोगे यार सिंगल पास में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यार अब क्योंकि हमें पता है कि हमें नेक्स्ट स्मॉलर मेंटेन करना है, ठीक है। अगर तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर याद हो तो नेक्स्ट ग्रेटर में जब डाउनवर्ड कर्व होता था तो वो वेट करता था, इंक्रीजिंग कर्व पे आंसर होता था। और मैंने तब ये बताया था कि नेक्स्ट स्मॉलर में क्या होगा, इंक्रीजिंग कर्व पे वेट होगा और डिक्रीजिंग कर्व पे आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्टैक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। चलो देखते हैं, अब यहां पे ये स्टैक है, ठीक है। नाउ अब जब भी तुम्हारे पास इंक्रीजिंग कर्व आएगा ना तो तुम्हारे पास आंसर उस टाइम नहीं मिलेगा, हमें वेट करना होगा, क्योंकि आगे हो सकता है जैसे डिक्रीजिंग कर्व आए तो तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिलेगा। जीरोथ इंडेक्स तो पहले ही डाल लेते हैं। अब अगला आया फर्स्ट इंडेक्स। अब देखो फर्स्ट इंडेक्स आया, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 1। इज 1 लेस देन 2? इज 1 लेस देन 2? जी हाँ 1 लेस देन 2 है, तो 1 2 का आंसर है, ठीक है। अब 1 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है तुम्हें इस टाइम पे मिल गया। अब 2 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे मिलेगा, तो मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम कॉल बचा सकते हो। कॉल बचा सकते हो मतलब एक ही साथ नेक्स्ट स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर दोनों मिलना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं, स्टैक में वेट कौन कर रहा है, स्टैक में वेट कर रहा है इंक्रीजिंग कर्व। अगर कहीं पे कोई इंक्रीजिंग कर्व है, तीन पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे मान लो तुम हो, ये भी स्टैक में वेट कर रहा है, अभी ये मान लो अभी आया नहीं है, मान लो इतना है, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व है, तो ये दोनों पॉइंट स्टैक में वेट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे तुमने इस पॉइंट के लिए देखा कि अच्छा इसके बाद डिक्रीजिंग कर्व है तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मुझे मिल गया, क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो स्टैक में इस वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वही इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा। कैन आई से दैट? देखो मान लो जैसे 5 और 6 है, अगर 5 और 6 दोनों स्टैक में पड़े हैं और मैं पहले 5 डालूंगा फिर 6 डालूंगा, मतलब इंडेक्स के मामले में डालेंगे, बट अभी मैंने वैल्यू से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। अब 6 के बाद आया 2, तो 2 तो 6 से छोटा है, तो 2 हो गया 6 का नेक्स्ट स्मॉलर। अब 6 का प्रीवियस स्मॉलर 6 के नीचे ही तो पड़ा है, जैसे तुम 6 को पॉप आउट करोगे स्टैक के टॉप पे जो पड़ा है ना वो 6 का क्या है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है। तो तुम एक ही बार में प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर दोनों साथ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, अब यहां पे 1 आया, हम लोग 1 पे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्मॉलर तो पता लग गया 1, ठीक है, इसको पॉप आउट करेंगे, 0 को पॉप आउट करेंगे। अब
स्टैक में जीरो के नीचे कुछ है ही नहीं, तो मतलब प्रीवियस स्मॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब प्रीवियस स्मॉलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे माइनस वन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स है वन माइनस प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है माइनस वन माइनस वन, तो ये बन जाएगा टू माइनस वन दैट इज वन। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इस टू के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक यूनिट की विड्थ ही लेंगे जो कि इसके इस बार की खुद की विड्थ होगी, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टू को। तो अभी तक के लिए हमें एक अच्छा आंसर मिल गया है टू। हियर एटलीस्ट टू हाइट का रेक्टेंगल तो मैं बना सकता हूं। ओके, अब इस वन के लिए तो हमारे पास आंसर नहीं है, तो इस वन को स्टैक में वेट कराएंगे। अगला एलिमेंट फाइव, क्या फाइव वन से छोटा है? नहीं, फाइव वन से बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फाइव का इंडेक्स डाला। ठीक है, फाइव के बाद सिक्स पे आए, सिक्स का इंडेक्स डाला क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिक्स के बाद टू पे आए, अब ये क्या है, क्या टू थर्ड इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट से छोटा है? जी हाँ, टू थर्ड इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट से छोटा है, टू इज लेस देन सिक्स, मतलब टू सिक्स का नेक्स्ट स्मॉलर है। तो हम सिक्स को पॉप, मतलब इस इंडेक्स थ्री को पॉप आउट करेंगे, थ्री का नेक्स्ट स्मॉलर मुझे मिल गया टू। अब थ्री का प्रीवियस स्मॉलर क्या होगा? फाइव, मतलब ये इंडेक्स टू, राइट? तो चलो देखते हैं, तो नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स आ गया तुम्हारा इंडेक्स फोर जो कि है टू का इंडेक्स, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स आ गया टू, तो सिक्स के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू फोर माइनस टू माइनस वन, फोर माइनस टू इज टू, टू माइनस वन इज वन, दैट इज सिक्स। और तुम देख सकते हो इस सिक्स के साथ तो बस एक सिक्स लेंथ का ही रेक्टेंगल तुम बना सकते हो, सिक्स इज बेटर देन टू, तो आंसर अपडेट कर लेंगे। चलो, अब ये टू इस फाइव के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर है, तो फाइव के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स बन गया है फोर, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स क्या होगा? तो चलो टू को पॉप किया, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स हो गया वन, तो ये हो गया वन, तो फाइव के लिए आंसर हो जाएगा फाइव इंटू फोर माइनस वन माइनस वन, फाइव इंटू टू टेन, टेन इज बेटर देन सिक्स। और तुम देख सकते हो इस फाइव के लिए तुम ऐसे टेन साइज का रेक्टेंगल बना सकते हो, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। देख रहे हो कैसे हम लोग कॉम्पिटिशन कर पा रहे हैं, और इसी तरीके से तुम सारे के सारे एलिमेंट्स पे जा सकते हो। और क्रक्स क्या है कि अगेन उसी तरीके से हम लोग एक स्टैक का यूज करके नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स को, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पे कैच बस इतना सा रख रहे हैं कि यार जब तुम्हें पता लग रहा है कि अच्छा ये इनकमिंग एलिमेंट मेरे इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट से नीचे जो स्टैक पे पड़ा है ना वो उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वेट करता है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर वेट कर रहा है तो मान लो ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है एक्स और वाई, वाई इज द प्रीवियस स्मॉलर ऑफ एक्स। जब एक्स का आंसर कंप्यूट हुआ है, एक्स को रिमूव करेंगे तो स्टैक के टॉप पे वाई पड़ा होगा, वाई एक्स का प्रीवियस स्मॉलर है। एक लौती चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर स्टैक में कुछ बचा ही नहीं है तो प्रीवियस स्मॉलर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, एज सिंपल एज दैट। तो इस छोटे से लॉजिक से तुम एक्चुअली सिंगल पास में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक बार कोडिंग इंप्लीमेंटेशन तुम्हें दिखाता हूं। और देखो, हो सकता है कि तुम्हें एक बार में लगे कि अच्छा थोड़ा ओवरवेलमिंग है, मैं इसलिए किसी को भी ये नहीं सजेस्ट करता कि यार इस प्रॉब्लम को या स्टॉक स्पैन की प्रॉब्लम को ना तुम न्यू प्रॉब्लम समझो, तुम बस ना नेक्स्ट ग्रेटर समझो। अगर तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर समझ में आ गया तो तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर, प्रीवियस स्मॉलर, प्रीवियस ग्रेटर समझ में आ गया, उससे ये डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दोबारा एक बार सोचने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट ग्रेटर नहीं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्मॉलर का मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लेस देन वाला कॉपी हम लोग कर रहे हैं। चलो, अब एक काम करते हैं, एक आंसर मेंटेन करेंगे, इंट आंसर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इंट मिन। ठीक है, पुश करेंगे, जैसे ही हमें कोई एलिमेंट मिला, जैसे ही हमें कोई एलिमेंट मिला कि यार ये इनकमिंग एलिमेंट स्टैक के टॉप के एलिमेंट से क्या है, छोटा है, तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर मिल चुका है। ठीक है, चलो, अब जब मुझे नेक्स्ट स्मॉलर मिल चुका है तो यहां पे अब मुझे ना आउटपुट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आंसर में इंट रिटर्न करना है, तो जो आंसर वेरिएबल है हम उसको रिटर्न करेंगे। इसको भी यहां से हटा देते हैं अभी के लिए, और इसको भी हटा देते हैं। चलो, तो देखते हैं, अब यहां पर कौन सा एलिमेंट निकलने वाला है, इंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ एस टी डॉट टॉप, ये हमारी करंट बार है, राइट, करंट बार टू बी रिमूव्ड एंड हुज आंसर विल बी कैलकुलेटेड।
ठीक है ओके। अब इस बार के नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स का वैल्यू तुम्हें पता है, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स है आई, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स क्या है, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है, देखो अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है माइनस वन, अदरवाइज प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है स्टैक का टॉप, एज सिंपल एज दैट, राइट। और यहां पे आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एलिमेंट इनटू, ये हो गई हाइट और विड्थ कितनी हो गई, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स माइनस प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स माइनस वन, राइट कूल। अब ये तो उन एलिमेंट्स के लिए हो गया जिसको ट्रैवर्स करते करते तुम्हें आंसर मिल जाएगा, अब लास्ट में कुछ स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बच भी जाएंगे, राइट। अब इन बचे हुए एलिमेंट्स का क्या होगा, तो जो भी स्टैक में एलिमेंट्स बच गए उसके लिए तुम्हें कोई नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्मॉलर किसको मान के चल लेंगे, हियर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टू है, इस टू के लिए कोई नेक्स्ट स्मॉलर नहीं मिला मुझे, तो इस टू के लिए नेक्स्ट स्मॉलर क्या मैं मान के चलूंगा, एरे की लेंथ मान के चलूंगा, तो एरे की लेंथ के बेसिस पे हम लोग अपना काम निपटा पाएंगे। चलो देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास वाइल लूप है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हमारा करंट एलिमेंट आ जाएगा जो भी स्टैक के टॉप पे पड़ा है, इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स क्या होगा एन, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स तो दोबारा यही होगा, और दोबारा से आंसर कंप्यूट कर लेंगे, दैट्स इट। देखो सही लग रहा है, अब यहां पे इंट आंसर इज इक्वल्स टू, इसको मैं हिस्टोग्राम कह देता हूं, और हिस्टोग्राम को कॉल कर देते हैं, ठीक है हिस्टोग्राम को कॉल कर देते हैं, चलो ये भी ठीक है ना, इसका एरे का नाम है भी, चलो रन करते हैं, ठीक है देखते हैं कितने एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, 13 है टोटल एलिमेंट्स, तो 2 1 5 6 2 3 0 2 1 5 6 2 3, अभी आंसर आ रहा है 5, दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, आंसर आना चाहिए 10, देख लेते हैं कहाँ गलती हो रही होगी, सो हमने स्टैक में 0 पुश कर दिया है, कूल है, 1 से n तक जाएंगे, ठीक लग रहा है, स्टैक एम्प्टी जब तक नहीं हो जाता, साथ ही साथ जो करंट एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है, करंट एलिमेंट है arr डॉट टॉप, सॉरी arr ऑफ st डॉट टॉप क्योंकि इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स हो जाएगा i, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स हो जाएगा अगर स्टैक एम्प्टी है तो माइनस वन, अदरवाइज ये काम करते हैं इसको यू रख देते हैं, ठीक है अगर स्टैक एम्प्टी है तो माइनस वन, अदरवाइज स्टैक का टॉप, ठीक है ओके, एंड फिर मैक्स कैलकुलेट करेंगे, करंट एलिमेंट इंटू नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स माइनस प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स माइनस वन, और एलिमेंट को पॉप कर देंगे, बाद में आके एलिमेंट को पुश करेंगे, कूल, यहां पे हम लोग लेंथ ले लेंगे, ठीक लग रहा है ये, एंड प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा और मैक्स, ओके कूल रिटर्न आंसर, ठीक है एक काम करते हैं, हर बारी जो भी तुम्हारा एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स आ रहा है और जो भी प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स आ रहा है सब प्रिंट करके देख लेते हैं, और यहां भी कर लेंगे, ठीक है चलो देखते हैं, सो एलिमेंट आ रहा है 2, 2 का नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स आ रहा है 1, ओके तो देखो गलती हो रही है ना, यहां पे गलती क्या हो रही है,
मैं दिखाता हूँ, हटा दो, अब सी आउट की जरूरत नहीं है। प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स गलत कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि आपने स्टैक एम्प्टी हुआ ही नहीं ना। देखो टू है, टू के लिए नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स हम मिला है, तो टू को पहले रिमूव करेंगे ना, तभी टू के नीचे वाला एलिमेंट मिलेगा, वरना हमेशा टू का ही इंडेक्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो स्टैक का पॉप हम लोग ऊपर ही कर देंगे, पॉप हम यहीं कर देंगे, है ना, क्योंकि अगर तुमने पॉप नहीं करा तो तुम्हारे से नीचे वाला एलिमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम बाद में पॉप कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलो रन करते हैं, ठीक है, 10 आ रहा है, सही लग रहा है, और देखो कितना आसानी से ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो देखो क्वेश्चन का क्रक्स बहुत सिंपल है कि यार हर बार से बनने वाला मैं सबसे बड़ा रेक्टेंगल निकालना चाहता हूँ। सबसे बड़ा रेक्टेंगल कैसे निकलेगा कि उस बार को तुम कितना एक्सपैंड कर पा रहे हो, उतना ही एक्सपैंड कर पाओगे जब उसके बराबर की हाइट या उससे बड़ी हाइट के बार होंगे। जैसे उसके छोटे हाइट का बार होगा उसको तो एक्सपैंड तुम कर नहीं पाओगे, जब उसको एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो वो छोटी हाइट के बार ही ढूंढो, वो कैसे मिलेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स। तो या तो तुम नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स और प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स सेपरेटली निकाल लो, एक बार सिर्फ नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स कैलकुलेट करके ले आओ सबके लिए, फिर प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स कैलकुलेट करके ले आओ सबके लिए, और फिर जो दो एरे आई उनसे आंसर कंप्यूट कर लो। फिर मैंने कहा तुम ये सिंगल पास में भी कर सकते हो, यार तुम नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स कैलकुलेट करते हुए निकलो, जैसे तुम किसी एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स पा रहे हो, स्टैक में उस एलिमेंट से नीचे जो पड़ा है वो उसका प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है, दैट्स इट। तो देखो तभी मैंने कहा था वो जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो एक सिंगल स्ट्रैटेजी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो ये जो दो तीन क्वेश्चन हमने करे हैं ये उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार कोडिंग इंप्लीमेंटेशन खुद से जरूर ट्राई करना कि कैसे कर सकते हैं, क्या केवियट्स हैं, और एक बारी खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करो कि अच्छा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऐसे एक्चुअली काम कर रहा है, क्योंकि आई बिलीव वो ग्राफ वाली कर्व से आपको इंट्यूशन सही आ रही होगी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की। अब उसके बस एप्लीकेशन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट बैठता जाएगा। सो गाइज आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड रहे हैं, सबकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने देखे, एंड आई वुड ऑल्सो हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग इन सबकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन एक बारी खुद से जरूर ट्राई करें। दिमाग में बस ये चीज सेट होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं होता है, आप अगर एक दो क्वेश्चन से अच्छा फाउंडेशनल बेस सेटअप करते हो उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चंस काइंड ऑफ लाइक उसके ऊपर एक के ऊपर एक बनने लगते हैं, तो हमारा वही एजेंडा होना चाहिए, राइट। कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिस टाइम आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं, इट्स लाइक मैथ्स की वो एक्सरसाइज जहां पे एग्जांपल्स होते थे तीन चार, और उन तीन चार एग्जांपल्स के बेसिस पे 20 क्वेश्चन होते थे एक्सरसाइज में, देन थिंग्स विल स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग मोर सेंस टू यू। दैट बीइंग सेड इस लेक्चर को यहीं पर रैपअप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।